हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले हैं, उस मूवी का नाम है हरो हरा। तो ये मूवी कहाँ पे, कैसे आपको हिंदी वर्जन देखने के लिए मिलेगा, ऑफिशियली कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे, कौन कौन से सैटेलाइट चैनल पे और कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। वहीं पर इस मूवी के ऊपर प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग रिव्यू मिलने वाला है, जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक स्टोरी, एक एनालिसिस करके मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो फर्स्ट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के नाम से। तो चलिए आइए करते हैं वीडियो को शुरू। हरोम हरा आज की हमारी मूवी का नाम है। तो चलिए आज हम इस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। 2024 की इंडियन एक्शन लैंग्वेज तेलुगु ड्रामा मूवी है। फिल्म को थिएटरली पहले पैन इंडिया लेवल पर रिलीज करना था, सोचा जा रहा था। फिल्म को सिर्फ तेलुगु वर्जन में थिएटरली रिलीज किया गया था। फिल्म का स्टोरी, आइडिया, डायलॉग, स्क्रीन प्ले, ये सब कुछ नाना शंकर ने किया है। उसके अलावा इस फिल्म को प्रोड्यूस करा है सुमन जी नायडू ने, जिन्होंने एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को बनाया हुआ था। सुब्रमण्यम ब्रेसवरास प्रोडक्शन कंपनी के नीचे यहीं पे इस मूवी को उन्हीं के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया गया था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को US सर्टिफिकेट भी मिला था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इसको 154 मिनट का रन टाइम मिला था। फिल्म के राइट्स वर्जन रॉयल मीडिया डिजिटल वाले को बेचे गए थे। उन्होंने इस फिल्म को हिंदी डब में, हिंदी में लेटर नाम के साथ बनवाया करवाया हुआ था। वहीं पर कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सुधीर बाबू, मालविका सन, सुनील के द्वारा लीड रोल में लेते हुए इनको बनाया गया था। और भी मुख्य कलाकार इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके अलावा सिनेमाटोग्राफिक अरविंद विश्वनाथ ने करी थी। और मैं आपको बता दूं, ये मूवी अभी यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे अवेलेबल नहीं है। और आपको अगर देखनी है, जैसे कि मैंने कहा था, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा ऑफिशियली और कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे यह फिल्म आपको टेलीविज़न पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। और ये मूवी आपको हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। ये दोनों OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे ये मूवी अवेलेबल है। और आपको दोस्तों एक बार तो इस मूवी को जाके ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करना चाहिए, और आपको पसंद भी आएगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले, उस मूवी का नाम है हरो हरा। तो ये मूवी कहाँ पे, कैसे आपको हिंदी वर्जन देखने के लिए मिलेगा, ऑफिशियली कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे, कौन कौन से सैटेलाइट चैनल पे और कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। वहीं पे इस मूवी के ऊपर प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग रिव्यू मिलने वाला है, जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक स्टोरी, एक एनालिसिस करके मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो फर्स्ट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के नाम से। तो चलिए आइए करते हैं वीडियो को शुरू। हरोम हरा आज की हमारी मूवी का नाम है। तो चलिए आज हम इस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। 2024 की इंडियन एक्शन लैंग्वेज तेलुगु ड्रामा मूवी है। फिल्म को थिएटरली पहले पैन इंडिया लेवल पर रिलीज करना था, सोचा जा रहा था। फिल्म को सिर्फ तेलुगु वर्जन में थिएटरली रिलीज किया गया था। फिल्म का स्टोरी, आइडिया, डायलॉग, स्क्रीन प्ले, ये सब कुछ नाना शंकर ने किया है। उसके अलावा इस फिल्म को प्रोड्यूस करा है सुमन जी नायडू ने, जिन्होंने एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को बनाया हुआ था। सुब्रमण्यम ब्रेसवरास प्रोडक्शन कंपनी के नीचे यहीं पे इस मूवी को उन्हीं के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया गया था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को US सर्टिफिकेट भी मिला था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इसको 154 मिनट का रन टाइम मिला था। फिल्म के राइट्स वर्जन रॉयल मीडिया डिजिटल वाले को बेचे गए थे। उन्होंने इस फिल्म को हिंदी डब में, हिंदी में लेटर नाम के साथ
बनवाया करवाया हुआ था। वहीं पर कास्टिंग के ऊपर बातचीत करी तो सुधीर बाबू मालविका सन सुनील के द्वारा लीड रोल में लेते हुए इनको बनाया गया था। और भी मुख्य कलाकार इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके अलावा सिनेमाटोग्राफिक अरविंद विश्वनाथ ने करी थी। और मैं आपको बता दूँ, ये मूवी अभी यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे अवेलेबल नहीं है। और आपको अगर देखनी है, जैसे कि मैंने कहा था, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा ऑफिशियली और कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे यह फिल्म आपको टेलीविज़न पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। और ये मूवी आपको हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। ये दोनों OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे ये मूवी अवेलेबल है। और आपको दोस्त एक बार तो इस मूवी को जाके ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना चाहिए और आपको पसंद भी आएगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले, उस मूवी का नाम है हरो हरा। तो ये मूवी कहाँ पे, कैसे आपको हिंदी वर्जन देखने के लिए मिलेगा, ऑफिशियली कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे, कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे और कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। वहीं पे इस मूवी के ऊपर प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग रिव्यू मिलने वाला है, जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक स्टोरी, एक एनालिसिस करके मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो फर्स्ट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के नाम से। तो चलिए आइए करते हैं वीडियो को शुरू। हरोम हरा आज की हमारी मूवी का नाम है। तो चलिए आज हम इस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। 2024 की इंडियन एक्शन लैंग्वेज तेलुगु ड्रामा मूवी है। फिल्म को थिएटरली पहले पैन इंडिया लेवल पर रिलीज करना था, सोचा जा रहा था। फिल्म को सिर्फ तेलुगु वर्जन में थिएटरली रिलीज किया गया था। फिल्म का स्टोरी, आइडिया, डायलॉग, स्क्रीन प्ले, ये सब कुछ नाना शंकर ने किया है। उसके अलावा इस फिल्म को प्रोड्यूस करा है सुमन जी नायडू ने, जिन्होंने एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को बनाया हुआ था सुब्रमण्यम ब्रेसवरास प्रोडक्शन कंपनी के नीचे। यहीं पे इस मूवी को उन्हीं के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया गया था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को US सर्टिफिकेट भी मिला था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इसको 154 मिनट का रन टाइम मिला था। फिल्म के राइट्स वर्जन रॉयल मीडिया डिजिटल वाले को बेचे गए थे। उन्होंने इस फिल्म को हिंदी डब में, हिंदी में लेटर नाम के साथ बनवाया करवाया हुआ था। वहीं पर कास्टिंग के ऊपर बातचीत करी तो सुधीर बाबू मालविका सन सुनील के द्वारा लीड रोल में लेते हुए इनको बनाया गया था। और भी मुख्य कलाकार इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके अलावा सिनेमाटोग्राफिक अरविंद विश्वनाथ ने करी थी। और मैं आपको बता दूँ, ये मूवी अभी यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे अवेलेबल नहीं है। और आपको अगर देखनी है, जैसे कि मैंने कहा था, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा ऑफिशियली और कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे यह फिल्म आपको टेलीविज़न पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। और ये मूवी आपको हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। ये दोनों OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे ये मूवी अवेलेबल है। और आपको दोस्त एक बार तो इस मूवी को जाके ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना चाहिए और आपको पसंद भी आएगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले, उस मूवी का नाम है हरो हरा। तो ये मूवी कहाँ पे, कैसे आपको हिंदी वर्जन देखने के लिए मिलेगा, ऑफिशियली कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे, कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे और कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। वहीं पे इस मूवी के ऊपर प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग रिव्यू मिलने वाला है, जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक स्टोरी, एक एनालिसिस करके मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो फर्स्ट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के नाम से। तो चलिए आइए करते हैं वीडियो को शुरू। हरोम हरा
आज की हमारी मूवी का नाम है। तो चलिए आज हम इस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। 2024 की इंडियन एक्शन लैंग्वेज तेलुगु ड्रामा मूवी है। फिल्म को थिएटरली पहले पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ करना था सोचा जा रहा था। फिल्म को सिर्फ तेलुगु वर्जन में थिएटरली रिलीज़ किया गया था। फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रीन प्ले ये सब कुछ नाना शंकर ने किया है। उसके अलावा इस फिल्म को प्रोड्यूस कराया है सुमन जी नायडू ने, जिन्होंने एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को बनाया हुआ था। सुब्रमण्यम ब्रेसवरास प्रोडक्शन कंपनी के नीचे यहीं पे इस मूवी को उन्हीं के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया गया था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को US सर्टिफिकेट भी मिला था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इसको 154 मिनट का रन टाइम मिला था। फिल्म के राइट्स वर्जन रॉयल मीडिया डिजिटल वाले को बेचे गए थे। उन्होंने इस फिल्म को हिंदी डब में हिंदी में लेटर नाम के साथ बनवाया करवाया हुआ था। वहीं पर कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सुधीर बाबू मालविका सन सुनील के द्वारा लीड रोल में लेते हुए इनको बनाया गया था। और भी मुख्य कलाकार इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके अलावा सिनेमाटोग्राफी अरविंद विश्वनाथ ने करी थी। और मैं आपको बता दूं ये मूवी अभी यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे अवेलेबल नहीं है। और आपको अगर देखनी है जैसे कि मैंने कहा था इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा ऑफिशियली और कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे यह फिल्म आपको टेलीविज़न पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। और ये मूवी आपको हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। ये दोनों OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे ये मूवी अवेलेबल है। और आपको दोस्त एक बार तो इस मूवी को जाके ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करना चाहिए और आपको पसंद भी आएगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले उस मूवी का नाम है हरो हरा। तो ये मूवी कहाँ पे कैसे आपको हिंदी वर्जन देखने के लिए मिलेगा, ऑफिशियली कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे, कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे और कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। वहीं पर इस मूवी के ऊपर प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग रिव्यू मिलने वाला है जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक स्टोरी एक एनालिसिस करके मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो फर्स्ट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के नाम से। तो चलिए आइए करते हैं वीडियो को शुरू। हरोम हरा आज की हमारी मूवी का नाम है। तो चलिए आज हम इस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। 2024 की इंडियन एक्शन लैंग्वेज तेलुगु ड्रामा मूवी है। फिल्म को थिएटरली पहले पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ करना था सोचा जा रहा था। फिल्म को सिर्फ तेलुगु वर्जन में थिएटरली रिलीज़ किया गया था। फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रीन प्ले ये सब कुछ नाना शंकर ने किया है। उसके अलावा इस फिल्म को प्रोड्यूस कराया है सुमन जी नायडू ने, जिन्होंने एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को बनाया हुआ था। सुब्रमण्यम ब्रेसवरास प्रोडक्शन कंपनी के नीचे यहीं पे इस मूवी को उन्हीं के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया गया था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को US सर्टिफिकेट भी मिला था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इसको 154 मिनट का रन टाइम मिला था। फिल्म के राइट्स वर्जन रॉयल मीडिया डिजिटल वाले को बेचे गए थे। उन्होंने इस फिल्म को हिंदी डब में हिंदी में लेटर नाम के साथ बनवाया करवाया हुआ था। वहीं पर कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सुधीर बाबू मालविका सन सुनील के द्वारा लीड रोल में लेते हुए इनको बनाया गया था। और भी मुख्य कलाकार इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके अलावा सिनेमाटोग्राफी अरविंद विश्वनाथ ने करी थी। और मैं आपको बता दूं ये मूवी अभी यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे अवेलेबल नहीं है। और आपको अगर देखनी है जैसे कि मैंने कहा था इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा ऑफिशियली और कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे यह फिल्म आपको टेलीविज़न पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। और ये मूवी आपको हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। ये दोनों OTT प्लेटफॉर्म पे
अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, हॉटस्टार और अमेज़न प्राइम पे ये मूवी अवेलेबल है। और आपको दोस्त एक बार तो इस मूवी को जाके ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना चाहिए, और आपको पसंद भी आएगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले हैं, उस मूवी का नाम है हरो हरा। तो ये मूवी कहाँ पे, कैसे आपको हिंदी वर्जन देखने के लिए मिलेगा, ऑफिशियली कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे, कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे और कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। वहीं पे इस मूवी के ऊपर प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग रिव्यू मिलने वाला है, जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक स्टोरी, एक एनालिसिस करके मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो फर्स्ट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के नाम से। तो चलिए आइए करते हैं वीडियो को शुरू। हरोम हरा आज की हमारी मूवी का नाम है। तो चलिए आज हम इस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। 2024 की इंडियन एक्शन लैंग्वेज तेलुगु ड्रामा मूवी है। फिल्म को थिएटरली पहले पैन इंडिया लेवल पर रिलीज करना था सोचा जा रहा था, फिल्म को सिर्फ तेलुगु वर्जन में थिएटरली रिलीज किया गया था। फिल्म का स्टोरी, आइडिया, डायलॉग, स्क्रीन प्ले, ये सब कुछ नाना शंकर ने किया है। उसके अलावा इस फिल्म को प्रोड्यूस करा है सुमन जी नायडू ने, जिन्होंने एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को बनाया हुआ था कपड़मंडियम ब्रेसवरास प्रोडक्शन कंपनी के नीचे। यहीं पे इस मूवी को उन्हीं के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया गया था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को US सर्टिफिकेट भी मिला था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इसको 154 मिनट का रन टाइम मिला था। फिल्म के राइट्स वर्जन रॉयल मीडिया डिजिटल वाले को बेचे गए थे। उन्होंने इस फिल्म को हिंदी डब में, हिंदी में लेटर नाम के साथ बनवाया करवाया हुआ था। वहीं पर कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सुधीर बाबू, मालविका सन, सुनील के द्वारा लीड रोल में लेते हुए इनको बनाया गया था। और भी मुख्य कलाकार इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके अलावा सिनेमाटोग्राफिक अरविंद विश्वनाथ ने करी थी। और मैं आपको बता दूं, ये मूवी अभी यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे अवेलेबल नहीं है। और आपको अगर देखनी है, जैसे कि मैंने कहा था, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा ऑफिशियली और कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे यह फिल्म आपको टेलीविज़न पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। और ये मूवी आपको हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। ये दोनों OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे ये मूवी अवेलेबल है। और आपको दोस्त एक बार तो इस मूवी को जाके ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना चाहिए, और आपको पसंद भी आएगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले हैं, उस मूवी का नाम है हरो हरा। तो ये मूवी कहाँ पे, कैसे आपको हिंदी वर्जन देखने के लिए मिलेगा, ऑफिशियली कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे, कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे और कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। वहीं पे इस मूवी के ऊपर प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग रिव्यू मिलने वाला है, जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक स्टोरी, एक एनालिसिस करके मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो फर्स्ट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के नाम से। तो चलिए आइए करते हैं वीडियो को शुरू। हरोम हरा आज की हमारी मूवी का नाम है। तो चलिए आज हम इस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। 2024 की इंडियन एक्शन लैंग्वेज तेलुगु ड्रामा मूवी है। फिल्म को थिएटरली पहले पैन इंडिया लेवल पर रिलीज करना था सोचा जा रहा था, फिल्म को सिर्फ तेलुगु वर्जन में थिएटरली रिलीज किया गया था। फिल्म का स्टोरी, आइडिया, डायलॉग, स्क्रीन प्ले, ये सब कुछ नाना शंकर ने किया है। उसके अलावा इस फिल्म को प्रोड्यूस करा है सुमन जी नायडू ने, जिन्होंने एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को बनाया हुआ था कपड़मंडियम ब्रेसवरास प्रोडक्शन कंपनी के नीचे। यहीं पे इस मूवी को उन्हीं के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया गया था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को US सर्टिफिकेट भी मिला था।
सेंसर बोर्ड की तरफ से इसको 154 मिनट का रन टाइम मिला था। फिल्म के राइट्स वर्जन रॉयल मीडिया डिजिटल वाले को बेचे गए थे। उन्होंने इस फिल्म को हिंदी डब में, हिंदी में लेटर नाम के साथ बनवाया करवाया हुआ था। वहीं पर कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सुधीर बाबू, मालविका सन, सुनील के द्वारा लीड रोल में लेते हुए इनको बनाया गया था। और भी मुख्य कलाकार इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके अलावा सिनेमाटोग्राफिक अरविंद विश्वनाथ ने करी थी। और मैं आपको बता दूं, ये मूवी अभी यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे अवेलेबल नहीं है। और आपको अगर देखनी है, जैसे कि मैंने कहा था, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा ऑफिशियली और कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे यह फिल्म आपको टेलीविज़न पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। और ये मूवी आपको हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। ये दोनों OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे ये मूवी अवेलेबल है। और आपको दोस्त एक बार तो इस मूवी को जाके ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करना चाहिए, और आपको पसंद भी आएगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले हैं, उस मूवी का नाम है हरो हरा। तो ये मूवी कहाँ पे, कैसे आपको हिंदी वर्जन देखने के लिए मिलेगा, ऑफिशियली कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे, कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे और कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। वहीं पे इस मूवी के ऊपर प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग रिव्यू मिलने वाला है, जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक स्टोरी, एक एनालिसिस करके मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो फर्स्ट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के नाम से। तो चलिए आइए करते हैं वीडियो को शुरू। हरोम हरा आज की हमारी मूवी का नाम है। तो चलिए आज हम इस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। 2024 की इंडियन एक्शन लैंग्वेज तेलुगु ड्रामा मूवी है। फिल्म को थिएटरली पहले पैन इंडिया लेवल पर रिलीज करना था, सोचा जा रहा था। फिल्म को सिर्फ तेलुगु वर्जन में थिएटरली रिलीज किया गया था। फिल्म का स्टोरी, आइडिया, डायलॉग, स्क्रीन प्ले, ये सब कुछ नाना शंकर ने किया है। उसके अलावा इस फिल्म को प्रोड्यूस कराया है सुमन जी नायडू ने, जिन्होंने एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को बनाया हुआ था सुब्रमण्यम ब्रेसवरास प्रोडक्शन कंपनी के नीचे। यहीं पे इस मूवी को उन्हीं के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया गया था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को US सर्टिफिकेट भी मिला था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इसको 154 मिनट का रन टाइम मिला था। फिल्म के राइट्स वर्जन रॉयल मीडिया डिजिटल वाले को बेचे गए थे। उन्होंने इस फिल्म को हिंदी डब में, हिंदी में लेटर नाम के साथ बनवाया करवाया हुआ था। वहीं पर कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सुधीर बाबू, मालविका सन, सुनील के द्वारा लीड रोल में लेते हुए इनको बनाया गया था। और भी मुख्य कलाकार इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके अलावा सिनेमाटोग्राफिक अरविंद विश्वनाथ ने करी थी। और मैं आपको बता दूं, ये मूवी अभी यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे अवेलेबल नहीं है। और आपको अगर देखनी है, जैसे कि मैंने कहा था, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा ऑफिशियली और कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे यह फिल्म आपको टेलीविज़न पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। और ये मूवी आपको हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। ये दोनों OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे ये मूवी अवेलेबल है। और आपको दोस्त एक बार तो इस मूवी को जाके ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करना चाहिए, और आपको पसंद भी आएगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले हैं, उस मूवी का नाम है हरो हरा। तो ये मूवी कहाँ पे, कैसे आपको हिंदी वर्जन देखने के लिए मिलेगा, ऑफिशियली कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे, कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे और कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। वहीं पे इस मूवी के ऊपर प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग रिव्यू मिलने वाला है, जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक स्टोरी, एक एनालिसिस करके
मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो फर्स्ट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के नाम से। तो चलिए आइए करते हैं वीडियो को शुरू। हरोम हराम आज की हमारी मूवी का नाम है। तो चलिए आज हम इस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। 2024 की इंडियन एक्शन लैंग्वेज तेलुगु ड्रामा मूवी है। फिल्म को थिएटरली पहले पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ करना था सोचा जा रहा था। फिल्म को सिर्फ तेलुगु वर्जन में थिएटरली रिलीज़ किया गया था। फिल्म को स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रीन प्ले ये सब कुछ नाना शंकर ने किया है। उसके अलावा इस फिल्म को प्रोड्यूस कराया है सुमन जी नायडू ने, जिन्होंने एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को बनाया हुआ था। सुब्रमण्यम ब्रेसवरास प्रोडक्शन कंपनी के नीचे यहीं पे इस मूवी को उन्हीं के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया गया था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को US सर्टिफिकेट भी मिला था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इसको 154 मिनट का रन टाइम मिला था। फिल्म के राइट्स वर्जन रॉयल मीडिया डिजिटल वाले को बेचे गए थे। उन्होंने इस फिल्म को हिंदी डब में हिंदी में लेटर नाम के साथ बनवाया करवाया हुआ था। वहीं पर कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सुधीर बाबू मालविका सन सुनील के द्वारा लीड रोल में लेते हुए इनको बनाया गया था। और भी मुख्य कलाकार इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके अलावा सिनेमाटोग्राफी अरविंद विश्वनाथ ने करी थी। और मैं आपको बता दूं ये मूवी अभी यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे अवेलेबल नहीं है। और आपको अगर देखनी है जैसे कि मैंने कहा था इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा ऑफिशियली और कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे यह फिल्म आपको टेलीविज़न पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। और ये मूवी आपको हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। ये दोनों OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे ये मूवी अवेलेबल है। और आपको दोस्त एक बार तो इस मूवी को जाके ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करना चाहिए और आपको पसंद भी आएगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले उस मूवी का नाम है हरो हरा। तो ये मूवी कहाँ पे कैसे आपको हिंदी वर्जन देखने के लिए मिलेगा ऑफिशियली, कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे, कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे और कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। वहीं पर इस मूवी के ऊपर प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग रिव्यू मिलने वाला है जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक स्टोरी एक एनालिसिस करके मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो फर्स्ट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के नाम से। तो चलिए आइए करते हैं वीडियो को शुरू। हरोम हराम आज की हमारी मूवी का नाम है। तो चलिए आज हम इस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। 2024 की इंडियन एक्शन लैंग्वेज तेलुगु ड्रामा मूवी है। फिल्म को थिएटरली पहले पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ करना था सोचा जा रहा था। फिल्म को सिर्फ तेलुगु वर्जन में थिएटरली रिलीज़ किया गया था। फिल्म को स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रीन प्ले ये सब कुछ नाना शंकर ने किया है। उसके अलावा इस फिल्म को प्रोड्यूस कराया है सुमन जी नायडू ने, जिन्होंने एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को बनाया हुआ था। सुब्रमण्यम ब्रेसवरास प्रोडक्शन कंपनी के नीचे यहीं पे इस मूवी को उन्हीं के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया गया था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को US सर्टिफिकेट भी मिला था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इसको 154 मिनट का रन टाइम मिला था। फिल्म के राइट्स वर्जन रॉयल मीडिया डिजिटल वाले को बेचे गए थे। उन्होंने इस फिल्म को हिंदी डब में हिंदी में लेटर नाम के साथ बनवाया करवाया हुआ था। वहीं पर कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सुधीर बाबू मालविका सन सुनील के द्वारा लीड रोल में लेते हुए इनको बनाया गया था। और भी मुख्य कलाकार इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके अलावा सिनेमाटोग्राफी अरविंद विश्वनाथ ने करी थी। और मैं आपको बता दूं ये मूवी अभी यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे अवेलेबल नहीं है। और आपको अगर देखनी है जैसे कि मैंने कहा था इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा ऑफिशियली और कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे यह फिल्म आपको टेलीविज़न पे भी देखने के लिए मिल जाएगी।
और ये मूवी आपको हॉटस्टार और अमेज़न प्राइम पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। ये दोनों OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, हॉटस्टार और अमेज़न प्राइम पे ये मूवी अवेलेबल है। और आपको दोस्त एक बार तो इस मूवी को जाके ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना चाहिए, और आपको पसंद भी आएगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले हैं, उस मूवी का नाम है हरो हरा। तो ये मूवी कहाँ पे, कैसे आपको हिंदी वर्जन देखने के लिए मिलेगा, ऑफिशियली कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे, कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे और कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। वहीं पे इस मूवी के ऊपर प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग रिव्यू मिलने वाला है, जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक स्टोरी, एक एनालिसिस करके मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो फर्स्ट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के नाम से। तो चलिए आइए करते हैं वीडियो को शुरू। हरोम हरा आज की हमारी मूवी का नाम है। तो चलिए आज हम इस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। 2024 की इंडियन एक्शन लैंग्वेज तेलुगु ड्रामा मूवी है। फिल्म को थिएटरली पहले पैन इंडिया लेवल पर रिलीज करना था, सोचा जा रहा था। फिल्म को सिर्फ तेलुगु वर्जन में थिएटरली रिलीज किया गया था। फिल्म को स्टोरी, आइडिया, डायलॉग, स्क्रीन प्ले, ये सब कुछ नाना शंकर ने किया है। उसके अलावा इस फिल्म को प्रोड्यूस कराया है सुमन जी नायडू ने, जिन्होंने एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को बनाया हुआ था सुब्रमण्यम ब्रेस्वरस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे। वहीं पे इस मूवी को उन्हीं के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया गया था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को US सर्टिफिकेट भी मिला था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इसको 154 मिनट का रन टाइम मिला था। फिल्म के राइट्स वर्जन रॉयल मीडिया डिजिटल वाले को बेचे गए थे। उन्होंने इस फिल्म को हिंदी डब में, हिंदी में लेटर नाम के साथ बनवाया करवाया हुआ था। वहीं पे कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सुधीर बाबू, मालविका सन, सुनील के द्वारा लीड रोल में लेते हुए इनको बनाया गया था। और भी मुख्य कलाकार इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके अलावा सिनेमाटोग्राफिक अरविंद विश्वनाथ ने करी थी। और मैं आपको बता दूं, ये मूवी अभी यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे अवेलेबल नहीं है। और आपको अगर देखनी है, जैसे कि मैंने कहा था, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा ऑफिशियली और कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे यह फिल्म आपको टेलीविज़न पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। और ये मूवी आपको हॉटस्टार और अमेज़न प्राइम पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। ये दोनों OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, हॉटस्टार और अमेज़न प्राइम पे ये मूवी अवेलेबल है। और आपको दोस्त एक बार तो इस मूवी को जाके ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना चाहिए, और आपको पसंद भी आएगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले हैं, उस मूवी का नाम है हरो हरा। तो ये मूवी कहाँ पे, कैसे आपको हिंदी वर्जन देखने के लिए मिलेगा, ऑफिशियली कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे, कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे और कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। वहीं पे इस मूवी के ऊपर प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग रिव्यू मिलने वाला है, जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक स्टोरी, एक एनालिसिस करके मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो फर्स्ट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के नाम से। तो चलिए आइए करते हैं वीडियो को शुरू। हरोम हरा आज की हमारी मूवी का नाम है। तो चलिए आज हम इस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। 2024 की इंडियन एक्शन लैंग्वेज तेलुगु ड्रामा मूवी है। फिल्म को थिएटरली पहले पैन इंडिया लेवल पर रिलीज करना था, सोचा जा रहा था। फिल्म को सिर्फ तेलुगु वर्जन में थिएटरली रिलीज किया गया था। फिल्म को स्टोरी, आइडिया, डायलॉग, स्क्रीन प्ले, ये सब कुछ नाना शंकर ने किया है। उसके अलावा इस फिल्म को प्रोड्यूस कराया है सुमन जी नायडू ने, जिन्होंने एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को बनाया हुआ था।
सुब्रमण्यम ब्रेसवरस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे, यहीं पे इस मूवी को उन्हीं के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया गया था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को US सर्टिफिकेट भी मिला था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इसको 154 मिनट का रन टाइम मिला था। फिल्म के राइट्स वर्जन रॉयल मीडिया डिजिटल वाले को बेचे गए थे। उन्होंने इस फिल्म को हिंदी डब में, हिंदी में लेटर नाम के साथ बनवाया करवाया हुआ था। वहीं पर कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सुधीर बाबू मालविका सन सुनील के द्वारा लीड रोल में लेते हुए इनको बनाया गया था। और भी मुख्य कलाकार इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके अलावा सिनेमाटोग्राफिक अरविंद विश्वनाथ ने करी थी। और मैं आपको बता दूं, ये मूवी अभी यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे अवेलेबल नहीं है। और आपको अगर देखनी है, जैसे कि मैंने कहा था, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा ऑफिशियली और कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे यह फिल्म आपको टेलीविज़न पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। और ये मूवी आपको हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। ये दोनों OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे ये मूवी अवेलेबल है। और आपको दोस्त एक बार तो इस मूवी को जाके ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करना चाहिए, और आपको पसंद भी आएगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले, उस मूवी का नाम है हरो हरा। तो ये मूवी कहाँ पे, कैसे आपको हिंदी वर्जन देखने के लिए मिलेगा, ऑफिशियली कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे, कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे और कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। वहीं पे इस मूवी के ऊपर प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग रिव्यू मिलने वाला है, जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक स्टोरी, एक एनालिसिस करके मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो फर्स्ट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के नाम से। तो चलिए आइए करते हैं वीडियो को शुरू। हरोम हरा आज की हमारी मूवी का नाम है। तो चलिए आज हम इस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। 2024 की इंडियन एक्शन लैंग्वेज तेलुगु ड्रामा मूवी है। फिल्म को थिएटरली पहले पैन इंडिया लेवल पर रिलीज करना था, सोचा जा रहा था। फिल्म को सिर्फ तेलुगु वर्जन में थिएटरली रिलीज किया गया था। फिल्म का स्टोरी, आइडिया, डायलॉग, स्क्रीन प्ले, ये सब कुछ नाना शंकर ने किया है। उसके अलावा इस फिल्म को प्रोड्यूस करा है सुमन जी नायडू ने, जिन्होंने एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को बनाया हुआ था सुब्रमण्यम ब्रेसवरस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे। यहीं पे इस मूवी को उन्हीं के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया गया था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को US सर्टिफिकेट भी मिला था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इसको 154 मिनट का रन टाइम मिला था। फिल्म के राइट्स वर्जन रॉयल मीडिया डिजिटल वाले को बेचे गए थे। उन्होंने इस फिल्म को हिंदी डब में, हिंदी में लेटर नाम के साथ बनवाया करवाया हुआ था। वहीं पर कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सुधीर बाबू मालविका सन सुनील के द्वारा लीड रोल में लेते हुए इनको बनाया गया था। और भी मुख्य कलाकार इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके अलावा सिनेमाटोग्राफिक अरविंद विश्वनाथ ने करी थी। और मैं आपको बता दूं, ये मूवी अभी यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे अवेलेबल नहीं है। और आपको अगर देखनी है, जैसे कि मैंने कहा था, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा ऑफिशियली और कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे यह फिल्म आपको टेलीविज़न पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। और ये मूवी आपको हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। ये दोनों OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे ये मूवी अवेलेबल है। और आपको दोस्त एक बार तो इस मूवी को जाके ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करना चाहिए, और आपको पसंद भी आएगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले, उस मूवी का नाम है हरो हरा। तो ये मूवी कहाँ पे, कैसे आपको हिंदी वर्जन देखने के लिए मिलेगा, ऑफिशियली कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे, कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे और कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। वहीं पे इस मूवी के ऊपर प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी
मैं आपको बताने वाला हूँ। फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग रिव्यू मिलने वाला है, जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक स्टोरी एक एनालिसिस करके मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो फर्स्ट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के नाम से। तो चलिए आइए करते हैं वीडियो को शुरू। हरोम हरा आज की हमारी मूवी का नाम है। तो चलिए आज हम इस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। 2024 की इंडियन एक्शन लैंग्वेज तेलुगु ड्रामा मूवी है। फिल्म को थिएटिकली पहले पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ करना था सोचा जा रहा था। फिल्म को सिर्फ तेलुगु वर्जन में थिएटिकली रिलीज़ किया गया था। फिल्म को स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रीन प्ले ये सब कुछ नाना शंकर ने किया है। उसके अलावा इस फिल्म को प्रोड्यूस करा है सुमन जी नायडू ने, जिन्होंने एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को बनाया हुआ था। सुब्रमण्यम वेश्वरास प्रोडक्शन कंपनी के नीचे यहीं पे इस मूवी को उन्हीं के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया गया था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट भी मिला था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इसको 154 मिनट का रन टाइम मिला था। फिल्म के राइट्स वर्जन रॉयल मीडिया डिजिटल वाले को बेचे गए थे। उन्होंने इस फिल्म को हिंदी डब में हिंदी में लेटर नाम के साथ बनवाया करवाया हुआ था। वहीं पे कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सुधीर बाबू मालविका सन सुनील के द्वारा लीड रोल में लेते हुए इनको बनाया गया था। और भी मुख्य कलाकार इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके अलावा सिनेमाटोग्राफिक अरविंद विश्वनाथ ने करी थी। और मैं आपको बता दूं, ये मूवी अभी यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे अवेलेबल नहीं है। और आपको अगर देखनी है, जैसे कि मैंने कहा था, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा ऑफिशियली और कौन कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे यह फिल्म आपको टेलीविज़न पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। और ये मूवी आपको हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। ये दोनों ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे ये मूवी अवेलेबल है। और आपको दोस्त एक बार तो इस मूवी को जाके ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना चाहिए, और आपको पसंद भी आएगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले, उस मूवी का नाम है हरो हरा। तो ये मूवी कहाँ पे कैसे आपको हिंदी वर्जन देखने के लिए मिलेगा, ऑफिशियली कौन कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे और कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। वहीं पे इस मूवी के ऊपर प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग रिव्यू मिलने वाला है, जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक स्टोरी एक एनालिसिस करके मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो फर्स्ट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के नाम से। तो चलिए आइए करते हैं वीडियो को शुरू। हरोम हरा आज की हमारी मूवी का नाम है। तो चलिए आज हम इस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। 2024 की इंडियन एक्शन लैंग्वेज तेलुगु ड्रामा मूवी है। फिल्म को थिएटिकली पहले पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ करना था सोचा जा रहा था। फिल्म को सिर्फ तेलुगु वर्जन में थिएटिकली रिलीज़ किया गया था। फिल्म को स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रीन प्ले ये सब कुछ नाना शंकर ने किया है। उसके अलावा इस फिल्म को प्रोड्यूस करा है सुमन जी नायडू ने, जिन्होंने एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को बनाया हुआ था। सुब्रमण्यम वेश्वरास प्रोडक्शन कंपनी के नीचे यहीं पे इस मूवी को उन्हीं के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया गया था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट भी मिला था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इसको 154 मिनट का रन टाइम मिला था। फिल्म के राइट्स वर्जन रॉयल मीडिया डिजिटल वाले को बेचे गए थे। उन्होंने इस फिल्म को हिंदी डब में हिंदी में लेटर नाम के साथ बनवाया करवाया हुआ था। वहीं पे कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सुधीर बाबू मालविका सन सुनील के द्वारा लीड रोल में लेते हुए इनको बनाया गया था। और भी मुख्य कलाकार इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे।
उसके अलावा सिनेमाटोग्राफिक अरविंद विश्वनाथ ने करी थी। और मैं आपको बता दूँ, ये मूवी अभी यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे अवेलेबल नहीं है, और आपको अगर देखनी है, जैसे कि मैंने कहा था इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा ऑफिशियली और कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे ये फिल्म आपको टेलीविज़न पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। और ये मूवी आपको हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। ये दोनों OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे ये मूवी अवेलेबल है। और आपको दोस्त एक बार तो इस मूवी को जाके ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना चाहिए, और आपको पसंद भी आएगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले हैं, उस मूवी का नाम है हरो हरा। तो ये मूवी कहाँ पे, कैसे आपको हिंदी वर्जन देखने के लिए मिलेगा, ऑफिशियली कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे, कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे और कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। वहीं पे इस मूवी के ऊपर प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग रिव्यू मिलने वाला है, जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक स्टोरी, एक एनालिसिस करके मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो फर्स्ट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के नाम से। तो चलिए आइए करते हैं वीडियो को शुरू। हरोम हरा आज की हमारी मूवी का नाम है। तो चलिए आज हम इस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। 2024 की इंडियन एक्शन लैंग्वेज तेलुगु ड्रामा मूवी है। फिल्म को थिएटरली पहले पैन इंडिया लेवल पर रिलीज करना था सोचा जा रहा था, फिल्म को सिर्फ तेलुगु वर्जन में थिएटरली रिलीज किया गया था। फिल्म का स्टोरी, आइडिया, डायलॉग, स्क्रीन प्ले, ये सब कुछ नाना शंकर ने किया है। उसके अलावा इस फिल्म को प्रोड्यूस करा है सुमन जी नायडू ने, जिन्होंने एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को बनाया हुआ था। सुब्रमण्यम ब्रेसवरास प्रोडक्शन कंपनी के नीचे यहीं पे इस मूवी को उन्हीं के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया गया था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को US सर्टिफिकेट भी मिला था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इसको 154 मिनट का रन टाइम मिला था। फिल्म के राइट्स वर्जन रॉयल मीडिया डिजिटल वाले को बेचे गए थे। उन्होंने इस फिल्म को हिंदी डब में, हिंदी में लेटर नाम के साथ बनवाया करवाया हुआ था। वहीं पर कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सुधीर बाबू, मालविका सन, सुनील के द्वारा लीड रोल में लेते हुए इनको बनाया गया था। और भी मुख्य कलाकार इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके अलावा सिनेमाटोग्राफिक अरविंद विश्वनाथ ने करी थी। और मैं आपको बता दूँ, ये मूवी अभी यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे अवेलेबल नहीं है, और आपको अगर देखनी है, जैसे कि मैंने कहा था इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा ऑफिशियली और कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे ये फिल्म आपको टेलीविज़न पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। और ये मूवी आपको हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। ये दोनों OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे ये मूवी अवेलेबल है। और आपको दोस्त एक बार तो इस मूवी को जाके ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना चाहिए, और आपको पसंद भी आएगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले हैं, उस मूवी का नाम है हरो हरा। तो ये मूवी कहाँ पे, कैसे आपको हिंदी वर्जन देखने के लिए मिलेगा, ऑफिशियली कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे, कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे और कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। वहीं पे इस मूवी के ऊपर प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग रिव्यू मिलने वाला है, जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक स्टोरी, एक एनालिसिस करके मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो फर्स्ट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के नाम से। तो चलिए आइए करते हैं वीडियो को शुरू। हरोम हरा आज की हमारी मूवी का नाम है। तो चलिए आज हम इस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। 2024 की इंडियन एक्शन लैंग्वेज तेलुगु ड्रामा मूवी है।
फिल्म को 3 डिग्री पहले पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ करना था सोचा जा रहा था, फिल्म को सिर्फ तेलुगु वर्जन में 3 डिग्री रिलीज़ किया गया था। फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रीन प्ले ये सब कुछ नाना शंकर ने किया है। उसके अलावा इस फिल्म को प्रोड्यूस करा है सुमन जी नायडू ने, जिन्होंने एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को बनाया हुआ था सुब्रमण्यम ब्रेसवरास प्रोडक्शन कंपनी के नीचे। यहीं पे इस मूवी को उन्हीं के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया गया था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को US सर्टिफिकेट भी मिला था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इसको 154 मिनट का रन टाइम मिला था। फिल्म के राइट्स वर्जन रॉयल मीडिया डिजिटल वाले को बेचे गए थे। उन्होंने इस फिल्म को हिंदी डब में हिंदी में लेटर नाम के साथ बनवाया करवाया हुआ था। वहीं पर कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सुधीर बाबू मालविका सन सुनील के द्वारा लीड रोल में लेते हुए इनको बनाया गया था। और भी मुख्य कलाकार इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके अलावा सिनेमाटोग्राफी अरविंद विश्वनाथ ने करी थी। और मैं आपको बता दूं, ये मूवी अभी यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे अवेलेबल नहीं है। और आपको अगर देखनी है, जैसे कि मैंने कहा था, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा ऑफिशियली और कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे यह फिल्म आपको टेलीविज़न पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। और ये मूवी आपको हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। ये दोनों OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे ये मूवी अवेलेबल है। और आपको दोस्तों एक बार तो इस मूवी को जाके ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करना चाहिए और आपको पसंद भी आएगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले हैं, उस मूवी का नाम है हरो हरा। तो ये मूवी कहाँ पे कैसे आपको हिंदी वर्जन देखने के लिए मिलेगा, ऑफिशियली कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे, कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे और कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। वहीं पर इस मूवी के ऊपर प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग रिव्यू मिलने वाला है, जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक स्टोरी एक एनालिसिस करके मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो फर्स्ट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के नाम से। तो चलिए आइए करते हैं वीडियो को शुरू। हरोम हरा आज की हमारी मूवी का नाम है। तो चलिए आज हम इस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। 2024 की इंडियन एक्शन लैंग्वेज तेलुगु ड्रामा मूवी है। फिल्म को 3 डिग्री पहले पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ करना था सोचा जा रहा था, फिल्म को सिर्फ तेलुगु वर्जन में 3 डिग्री रिलीज़ किया गया था। फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रीन प्ले ये सब कुछ नाना शंकर ने किया है। उसके अलावा इस फिल्म को प्रोड्यूस करा है सुमन जी नायडू ने, जिन्होंने एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को बनाया हुआ था सुब्रमण्यम ब्रेसवरास प्रोडक्शन कंपनी के नीचे। यहीं पे इस मूवी को उन्हीं के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया गया था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को US सर्टिफिकेट भी मिला था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इसको 154 मिनट का रन टाइम मिला था। फिल्म के राइट्स वर्जन रॉयल मीडिया डिजिटल वाले को बेचे गए थे। उन्होंने इस फिल्म को हिंदी डब में हिंदी में लेटर नाम के साथ बनवाया करवाया हुआ था। वहीं पर कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सुधीर बाबू मालविका सन सुनील के द्वारा लीड रोल में लेते हुए इनको बनाया गया था। और भी मुख्य कलाकार इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके अलावा सिनेमाटोग्राफी अरविंद विश्वनाथ ने करी थी। और मैं आपको बता दूं, ये मूवी अभी यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे अवेलेबल नहीं है। और आपको अगर देखनी है, जैसे कि मैंने कहा था, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा ऑफिशियली और कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे यह फिल्म आपको टेलीविज़न पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। और ये मूवी आपको हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। ये दोनों OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे ये मूवी अवेलेबल है। और आपको दोस्तों एक बार तो इस मूवी को जाके ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करना चाहिए और आपको पसंद भी आएगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों,
हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले हैं, उस मूवी का नाम है हरो हरा। तो ये मूवी कहाँ पे, कैसे आपको हिंदी वर्जन देखने के लिए मिलेगा, ऑफिशियली कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे, कौन कौन से सैटेलाइट चैनल पे और कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। वहीं पर इस मूवी के ऊपर प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग रिव्यू मिलने वाला है, जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक स्टोरी, एक एनालिसिस करके मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो फर्स्ट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के नाम से। तो चलिए आइए करते हैं वीडियो को शुरू। हरोम हरा आज की हमारी मूवी का नाम है। तो चलिए आज हम इस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। 2024 की इंडियन एक्शन लैंग्वेज तेलुगु ड्रामा मूवी है। फिल्म को थिएटरली पहले पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ करना था, सोचा जा रहा था। फिल्म को सिर्फ तेलुगु वर्जन में थिएटरली रिलीज़ किया गया था। फिल्म का स्टोरी, आइडिया, डायलॉग, स्क्रीन प्ले, ये सब कुछ नाना शंकर ने किया है। उसके अलावा इस फिल्म को प्रोड्यूस कराया है सुमन जी नायडू ने, जिन्होंने एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को बनाया हुआ था। सुब्रमण्यम ब्रेसवरास प्रोडक्शन कंपनी के नीचे यहीं पे इस मूवी को उन्हीं के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया गया था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को US सर्टिफिकेट भी मिला था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इसको 154 मिनट का रन टाइम मिला था। फिल्म के राइट्स वर्जन रॉयल मीडिया डिजिटल वाले को बेचे गए थे। उन्होंने इस फिल्म को हिंदी डब में, हिंदी में लेटर नाम के साथ बनवाया करवाया हुआ था। वहीं पर कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सुधीर बाबू, मालविका सन, सुनील के द्वारा लीड रोल में लेते हुए इनको बनाया गया था। और भी मुख्य कलाकार इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके अलावा सिनेमाटोग्राफी अरविंद विश्वनाथ ने करी थी। और मैं आपको बता दूं, ये मूवी अभी यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे अवेलेबल नहीं है। और आपको अगर देखनी है, जैसे कि मैंने कहा था, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा ऑफिशियली और कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे यह फिल्म आपको टेलीविज़न पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। और ये मूवी आपको हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। ये दोनों OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे ये मूवी अवेलेबल है। और आपको दोस्त एक बार तो इस मूवी को जाके ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करना चाहिए, और आपको पसंद भी आएगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले हैं, उस मूवी का नाम है हरो हरा। तो ये मूवी कहाँ पे, कैसे आपको हिंदी वर्जन देखने के लिए मिलेगा, ऑफिशियली कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे, कौन कौन से सैटेलाइट चैनल पे और कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। वहीं पे इस मूवी के ऊपर प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग रिव्यू मिलने वाला है, जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक स्टोरी, एक एनालिसिस करके मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो फर्स्ट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के नाम से। तो चलिए आइए करते हैं वीडियो को शुरू। हरोम हरा आज की हमारी मूवी का नाम है। तो चलिए आज हम इस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। 2024 की इंडियन एक्शन लैंग्वेज तेलुगु ड्रामा मूवी है। फिल्म को थिएटरली पहले पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ करना था, सोचा जा रहा था। फिल्म को सिर्फ तेलुगु वर्जन में थिएटरली रिलीज़ किया गया था। फिल्म का स्टोरी, आइडिया, डायलॉग, स्क्रीन प्ले, ये सब कुछ नाना शंकर ने किया है। उसके अलावा इस फिल्म को प्रोड्यूस कराया है सुमन जी नायडू ने, जिन्होंने एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को बनाया हुआ था। सुब्रमण्यम ब्रेसवरास प्रोडक्शन कंपनी के नीचे यहीं पे इस मूवी को उन्हीं के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया गया था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को US सर्टिफिकेट भी मिला था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इसको 154 मिनट का रन टाइम मिला था। फिल्म के राइट्स वर्जन रॉयल मीडिया डिजिटल वाले को बेचे गए थे। उन्होंने इस फिल्म को हिंदी डब में, हिंदी में लेटर नाम के साथ
बनवाया करवाया हुआ था। वहीं पर कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सुधीर बाबू मालविका सन सुनील के द्वारा लीड रोल में लेते हुए इनको बनाया गया था। और भी मुख्य कलाकार इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके अलावा सिनेमाटोग्राफिक अरविंद विश्वनाथ ने करी थी। और मैं आपको बता दूं, ये मूवी अभी यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे अवेलेबल नहीं है। और आपको अगर देखनी है, जैसे कि मैंने कहा था इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा ऑफिशियली और कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे ये फिल्म आपको टेलीविज़न पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। और ये मूवी आपको हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। ये दोनों OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे ये मूवी अवेलेबल है। और आपको दोस्त एक बार तो इस मूवी को जाके ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करना चाहिए और आपको पसंद भी आएगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले हैं उस मूवी का नाम है हरो हरा। तो ये मूवी कहाँ पे कैसे आपको हिंदी वर्जन देखने के लिए मिलेगा, ऑफिशियली कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे, कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे और कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। वहीं पे इस मूवी के ऊपर प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग रिव्यू मिलने वाला है, जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक स्टोरी, एक एनालिसिस करके मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो फर्स्ट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के नाम से। तो चलिए आइए करते हैं वीडियो को शुरू। हरोम हरा आज की हमारी मूवी का नाम है। तो चलिए आज हम इस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। 2024 की इंडियन एक्शन लैंग्वेज तेलुगु ड्रामा मूवी है। फिल्म को थिएटरली पहले पैन इंडिया लेवल पर रिलीज करना था सोचा जा रहा था। फिल्म को सिर्फ तेलुगु वर्जन में थिएटरली रिलीज किया गया था। फिल्म का स्टोरी, आइडिया, डायलॉग, स्क्रीन प्ले ये सब कुछ नाना शंकर ने किया है। उसके अलावा इस फिल्म को प्रोड्यूस करा है सुमन जी नायडू ने, जिन्होंने एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को बनाया हुआ था सुब्रमण्यम ब्रेसवरास प्रोडक्शन कंपनी के नीचे। यहीं पे इस मूवी को उन्हीं के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया गया था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को US सर्टिफिकेट भी मिला था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इसको 154 मिनट का रन टाइम मिला था। फिल्म के राइट्स वर्जन रॉयल मीडिया डिजिटल वाले को बेचे गए थे। उन्होंने इस फिल्म को हिंदी डब में, हिंदी में लेटर नाम के साथ बनवाया करवाया हुआ था। वहीं पर कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सुधीर बाबू मालविका सन सुनील के द्वारा लीड रोल में लेते हुए इनको बनाया गया था। और भी मुख्य कलाकार इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके अलावा सिनेमाटोग्राफिक अरविंद विश्वनाथ ने करी थी। और मैं आपको बता दूं, ये मूवी अभी यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे अवेलेबल नहीं है। और आपको अगर देखनी है, जैसे कि मैंने कहा था इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा ऑफिशियली और कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे ये फिल्म आपको टेलीविज़न पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। और ये मूवी आपको हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। ये दोनों OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे ये मूवी अवेलेबल है। और आपको दोस्त एक बार तो इस मूवी को जाके ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करना चाहिए और आपको पसंद भी आएगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले उस मूवी का नाम है हरो हरा। तो ये मूवी कहाँ पे कैसे आपको हिंदी वर्जन देखने के लिए मिलेगा, ऑफिशियली कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे, कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे और कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। वहीं पे इस मूवी के ऊपर प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग रिव्यू मिलने वाला है, जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक स्टोरी, एक एनालिसिस करके मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो फर्स्ट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के नाम से। तो चलिए आइए करते हैं वीडियो को शुरू। हरोम हरा
आज की हमारी मूवी का नाम है। तो चलिए आज हम इस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। 2024 की इंडियन एक्शन लैंग्वेज तेलुगु ड्रामा मूवी है। फिल्म को थिएटरली पहले पैन इंडिया लेवल पर रिलीज करना था सोचा जा रहा था। फिल्म को सिर्फ तेलुगु वर्जन में थिएटरली रिलीज किया गया था। फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रीन प्ले ये सब कुछ नाना शंकर ने किया है। उसके अलावा इस फिल्म को प्रोड्यूस करा है सुमन जी नायडू ने, जिन्होंने एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को बनाया हुआ था। सुब्रमण्यम ब्रेसवरास प्रोडक्शन कंपनी के नीचे यहीं पे इस मूवी को उन्हीं के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया गया था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को US सर्टिफिकेट भी मिला था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इसको 154 मिनट का रन टाइम मिला था। फिल्म के राइट्स वर्जन रॉयल मीडिया डिजिटल वाले को बेचे गए थे। उन्होंने इस फिल्म को हिंदी डब में हिंदी में लेटर नाम के साथ बनवाया करवाया हुआ था। वहीं पर कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सुधीर बाबू मालविका सन सुनील के द्वारा लीड रोल में लेते हुए इनको बनाया गया था। और भी मुख्य कलाकार इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके अलावा सिनेमाटोग्राफी अरविंद विश्वनाथ ने करी थी। और मैं आपको बता दूं ये मूवी अभी यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे अवेलेबल नहीं है। और आपको अगर देखनी है जैसे कि मैंने कहा था इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा ऑफिशियली और कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे यह फिल्म आपको टेलीविज़न पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। और ये मूवी आपको हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। ये दोनों OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे ये मूवी अवेलेबल है। और आपको दोस्तों एक बार तो इस मूवी को जाके ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करना चाहिए और आपको पसंद भी आएगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले उस मूवी का नाम है हरो हरा। तो ये मूवी कहाँ पे कैसे आपको हिंदी वर्जन देखने के लिए मिलेगा, ऑफिशियली कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे, कौन कौन से सैटेलाइट चैनल पे और कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। वहीं पर इस मूवी के ऊपर प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग रिव्यू मिलने वाला है जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक स्टोरी एक एनालिसिस करके मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो फर्स्ट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के नाम से। तो चलिए आइए करते हैं वीडियो को शुरू। हरोम हरा आज की हमारी मूवी का नाम है। तो चलिए आज हम इस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। 2024 की इंडियन एक्शन लैंग्वेज तेलुगु ड्रामा मूवी है। फिल्म को थिएटरली पहले पैन इंडिया लेवल पर रिलीज करना था सोचा जा रहा था। फिल्म को सिर्फ तेलुगु वर्जन में थिएटरली रिलीज किया गया था। फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रीन प्ले ये सब कुछ नाना शंकर ने किया है। उसके अलावा इस फिल्म को प्रोड्यूस करा है सुमन जी नायडू ने, जिन्होंने एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को बनाया हुआ था। सुब्रमण्यम ब्रेसवरास प्रोडक्शन कंपनी के नीचे यहीं पे इस मूवी को उन्हीं के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया गया था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को US सर्टिफिकेट भी मिला था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इसको 154 मिनट का रन टाइम मिला था। फिल्म के राइट्स वर्जन रॉयल मीडिया डिजिटल वाले को बेचे गए थे। उन्होंने इस फिल्म को हिंदी डब में हिंदी में लेटर नाम के साथ बनवाया करवाया हुआ था। वहीं पर कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सुधीर बाबू मालविका सन सुनील के द्वारा लीड रोल में लेते हुए इनको बनाया गया था। और भी मुख्य कलाकार इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके अलावा सिनेमाटोग्राफी अरविंद विश्वनाथ ने करी थी। और मैं आपको बता दूं ये मूवी अभी यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे अवेलेबल नहीं है। और आपको अगर देखनी है जैसे कि मैंने कहा था इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा ऑफिशियली और कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे यह फिल्म आपको टेलीविज़न पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। और ये मूवी आपको हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। ये दोनों OTT प्लेटफॉर्म पे
अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, हॉटस्टार और अमेज़न प्राइम पे ये मूवी अवेलेबल है। और आपको दोस्त एक बार तो इस मूवी को जाके ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करना चाहिए, और आपको पसंद भी आएगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले, उस मूवी का नाम है हरो हरा। तो ये मूवी कहाँ पे कैसे आपको हिंदी वर्जन देखने के लिए मिलेगा, ऑफिशियली कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे, कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे और कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। वहीं पे इस मूवी के ऊपर प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग रिव्यू मिलने वाला है, जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक स्टोरी, एक एनालिसिस करके मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो फर्स्ट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के नाम से। तो चलिए आइए करते हैं वीडियो को शुरू। हरोम हरा आज की हमारी मूवी का नाम है। तो चलिए आज हम इस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। 2024 की इंडियन एक्शन लैंग्वेज तेलुगु ड्रामा मूवी है। फिल्म को थिएटरली पहले पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ करना था सोचा जा रहा था, फिल्म को सिर्फ तेलुगु वर्जन में थिएटरली रिलीज़ किया गया था। फिल्म को स्टोरी, आइडिया, डायलॉग, स्क्रीन प्ले, ये सब कुछ नाना शंकर ने किया है। उसके अलावा इस फिल्म को प्रोड्यूस कराया है सुमन जी नायडू ने, जिन्होंने एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को बनाया हुआ था। सुब्रमण्यम ब्रेसवरास प्रोडक्शन कंपनी के नीचे यहीं पे इस मूवी को उन्हीं के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया गया था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को US सर्टिफिकेट भी मिला था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इसको 154 मिनट का रन टाइम मिला था। फिल्म के राइट्स वर्जन रॉयल मीडिया डिजिटल वाले को बेचे गए थे। उन्होंने इस फिल्म को हिंदी डब में, हिंदी में लेटर नाम के साथ बनवाया करवाया हुआ था। वहीं पे कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सुधीर बाबू, मालविका सन, सुनील के द्वारा लीड रोल में लेते हुए इनको बनाया गया था। और भी मुख्य कलाकार इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके अलावा सिनेमाटोग्राफी अरविंद विश्वनाथ ने करी थी। और मैं आपको बता दूं, ये मूवी अभी यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे अवेलेबल नहीं है। और आपको अगर देखनी है, जैसे कि मैंने कहा था, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा ऑफिशियली और कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे यह फिल्म आपको टेलीविज़न पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। और ये मूवी आपको हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। ये दोनों OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे ये मूवी अवेलेबल है। और आपको दोस्त एक बार तो इस मूवी को जाके ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करना चाहिए, और आपको पसंद भी आएगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले, उस मूवी का नाम है हरो हरा। तो ये मूवी कहाँ पे कैसे आपको हिंदी वर्जन देखने के लिए मिलेगा, ऑफिशियली कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे, कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे और कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। वहीं पे इस मूवी के ऊपर प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग रिव्यू मिलने वाला है, जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक स्टोरी, एक एनालिसिस करके मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो फर्स्ट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के नाम से। तो चलिए आइए करते हैं वीडियो को शुरू। हरोम हरा आज की हमारी मूवी का नाम है। तो चलिए आज हम इस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। 2024 की इंडियन एक्शन लैंग्वेज तेलुगु ड्रामा मूवी है। फिल्म को थिएटरली पहले पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ करना था सोचा जा रहा था, फिल्म को सिर्फ तेलुगु वर्जन में थिएटरली रिलीज़ किया गया था। फिल्म को स्टोरी, आइडिया, डायलॉग, स्क्रीन प्ले, ये सब कुछ नाना शंकर ने किया है। उसके अलावा इस फिल्म को प्रोड्यूस कराया है सुमन जी नायडू ने, जिन्होंने एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को बनाया हुआ था। सुब्रमण्यम ब्रेसवरास प्रोडक्शन कंपनी के नीचे यहीं पे इस मूवी को उन्हीं के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया गया था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को US सर्टिफिकेट भी मिला था।
सेंसर बोर्ड की तरफ से इसको 154 मिनट का रन टाइम मिला था। फिल्म के राइट्स वर्जन रॉयल मीडिया डिजिटल वाले को बेचे गए थे। उन्होंने इस फिल्म को हिंदी डब में हिंदी में लेटर नाम के साथ बनवाया करवाया हुआ था। वहीं पर कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सुधीर बाबू मालविका सन सुनील के द्वारा लीड रोल में लेते हुए इनको बनाया गया था। और भी मुख्य कलाकार इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके अलावा सिनेमाटोग्राफिक अरविंद विश्वनाथ ने करी थी। और मैं आपको बता दूं, ये मूवी अभी यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे अवेलेबल नहीं है। और आपको अगर देखनी है, जैसे कि मैंने कहा था इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा ऑफिशियली और कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे ये फिल्म आपको टेलीविज़न पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। और ये मूवी आपको हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। ये दोनों OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे ये मूवी अवेलेबल है। और आपको दोस्त एक बार तो इस मूवी को जाके ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करना चाहिए और आपको पसंद भी आएगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले हैं उस मूवी का नाम है हरो हरा। तो ये मूवी कहाँ पे कैसे आपको हिंदी वर्जन देखने के लिए मिलेगा, ऑफिशियली कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे, कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे और कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। वहीं पे इस मूवी के ऊपर प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग रिव्यू मिलने वाला है, जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक स्टोरी, एक एनालिसिस करके मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो फर्स्ट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के नाम से। तो चलिए आइए करते हैं वीडियो को शुरू। हरोम हरा आज की हमारी मूवी का नाम है। तो चलिए आज हम इस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। 2024 की इंडियन एक्शन लैंग्वेज तेलुगु ड्रामा मूवी है। फिल्म को थिएटरली पहले पैन इंडिया लेवल पर रिलीज करना था सोचा जा रहा था। फिल्म को सिर्फ तेलुगु वर्जन में थिएटरली रिलीज किया गया था। फिल्म का स्टोरी, आइडिया, डायलॉग, स्क्रीन प्ले, ये सब कुछ नाना शंकर ने किया है। उसके अलावा इस फिल्म को प्रोड्यूस करा है सुमन जी नायडू ने, जिन्होंने एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को बनाया हुआ था सुब्रमण्यम ब्रेस्वरस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे। यहीं पे इस मूवी को उन्हीं के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया गया था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को US सर्टिफिकेट भी मिला था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इसको 154 मिनट का रन टाइम मिला था। फिल्म के राइट्स वर्जन रॉयल मीडिया डिजिटल वाले को बेचे गए थे। उन्होंने इस फिल्म को हिंदी डब में हिंदी में लेटर नाम के साथ बनवाया करवाया हुआ था। वहीं पर कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सुधीर बाबू मालविका सन सुनील के द्वारा लीड रोल में लेते हुए इनको बनाया गया था। और भी मुख्य कलाकार इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके अलावा सिनेमाटोग्राफिक अरविंद विश्वनाथ ने करी थी। और मैं आपको बता दूं, ये मूवी अभी यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे अवेलेबल नहीं है। और आपको अगर देखनी है, जैसे कि मैंने कहा था इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा ऑफिशियली और कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे ये फिल्म आपको टेलीविज़न पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। और ये मूवी आपको हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। ये दोनों OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे ये मूवी अवेलेबल है। और आपको दोस्त एक बार तो इस मूवी को जाके ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करना चाहिए और आपको पसंद भी आएगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले उस मूवी का नाम है हरो हरा। तो ये मूवी कहाँ पे कैसे आपको हिंदी वर्जन देखने के लिए मिलेगा, ऑफिशियली कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे, कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे और कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। वहीं पे इस मूवी के ऊपर प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग रिव्यू मिलने वाला है, जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक स्टोरी, एक एनालिसिस करके
मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो फर्स्ट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के नाम से। तो चलिए आइए करते हैं वीडियो को शुरू। हरोम हराम आज की हमारी मूवी का नाम है। तो चलिए आज हम इस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। 2024 की इंडियन एक्शन लैंग्वेज तेलुगु ड्रामा मूवी है। फिल्म को थिएटरली पहले पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ करना था सोचा जा रहा था, फिल्म को सिर्फ तेलुगु वर्जन में थिएटरली रिलीज़ किया गया था। फिल्म को स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रीन प्ले ये सब कुछ नाना शंकर ने किया है। उसके अलावा इस फिल्म को प्रोड्यूस करा है सुमन जी नायडू ने, जिन्होंने एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को बनाया हुआ था सुब्रमण्यम ब्रेसवरास प्रोडक्शन कंपनी के नीचे। यहीं पे इस मूवी को उन्हीं के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया गया था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को US सर्टिफिकेट भी मिला था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इसको 154 मिनट का रन टाइम मिला था। फिल्म के राइट्स वर्जन रॉयल मीडिया डिजिटल वाले को बेचे गए थे। उन्होंने इस फिल्म को हिंदी डब में हिंदी में लेटर नाम के साथ बनवाया करवाया हुआ था। वहीं पर कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सुधीर बाबू मालविका सन सुनील के द्वारा लीड रोल में लेते हुए इनको बनाया गया था। और भी मुख्य कलाकार इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके अलावा सिनेमाटोग्राफिक अरविंद विश्वनाथ ने करी थी। और मैं आपको बता दूं ये मूवी अभी यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे अवेलेबल नहीं है, और आपको अगर देखनी है जैसे कि मैंने कहा था इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा ऑफिशियली और कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे यह फिल्म आपको टेलीविज़न पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। और ये मूवी आपको हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। ये दोनों OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे ये मूवी अवेलेबल है। और आपको दोस्त एक बार तो इस मूवी को जाके ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करना चाहिए और आपको पसंद भी आएगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले उस मूवी का नाम है हरो हरा। तो ये मूवी कहाँ पे कैसे आपको हिंदी वर्जन देखने के लिए मिलेगा, ऑफिशियली कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे, कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे और कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। वहीं पे इस मूवी के ऊपर प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग रिव्यू मिलने वाला है जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक स्टोरी एक एनालिसिस करके मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो फर्स्ट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के नाम से। तो चलिए आइए करते हैं वीडियो को शुरू। हरोम हराम आज की हमारी मूवी का नाम है। तो चलिए आज हम इस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। 2024 की इंडियन एक्शन लैंग्वेज तेलुगु ड्रामा मूवी है। फिल्म को थिएटरली पहले पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ करना था सोचा जा रहा था, फिल्म को सिर्फ तेलुगु वर्जन में थिएटरली रिलीज़ किया गया था। फिल्म को स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रीन प्ले ये सब कुछ नाना शंकर ने किया है। उसके अलावा इस फिल्म को प्रोड्यूस करा है सुमन जी नायडू ने, जिन्होंने एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को बनाया हुआ था सुब्रमण्यम ब्रेसवरास प्रोडक्शन कंपनी के नीचे। यहीं पे इस मूवी को उन्हीं के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया गया था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को US सर्टिफिकेट भी मिला था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इसको 154 मिनट का रन टाइम मिला था। फिल्म के राइट्स वर्जन रॉयल मीडिया डिजिटल वाले को बेचे गए थे। उन्होंने इस फिल्म को हिंदी डब में हिंदी में लेटर नाम के साथ बनवाया करवाया हुआ था। वहीं पर कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सुधीर बाबू मालविका सन सुनील के द्वारा लीड रोल में लेते हुए इनको बनाया गया था। और भी मुख्य कलाकार इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके अलावा सिनेमाटोग्राफिक अरविंद विश्वनाथ ने करी थी। और मैं आपको बता दूं ये मूवी अभी यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे अवेलेबल नहीं है, और आपको अगर देखनी है जैसे कि मैंने कहा था इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा ऑफिशियली और कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे यह फिल्म आपको टेलीविज़न पे भी देखने के लिए मिल जाएगी।
और ये मूवी आपको हॉटस्टार और अमेज़न प्राइम पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। ये दोनों OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, हॉटस्टार और अमेज़न प्राइम पे ये मूवी अवेलेबल है। और आपको दोस्त एक बार तो इस मूवी को जाके ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना चाहिए, और आपको पसंद भी आएगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले हैं, उस मूवी का नाम है हरो हरा। तो ये मूवी कहाँ पे, कैसे आपको हिंदी वर्जन देखने के लिए मिलेगा, ऑफिशियली कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे, कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे और कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। वहीं पे इस मूवी के ऊपर प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग रिव्यू मिलने वाला है, जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक स्टोरी, एक एनालिसिस करके मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो फर्स्ट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के नाम से। तो चलिए आइए करते हैं वीडियो को शुरू। हरोम हरा आज की हमारी मूवी का नाम है। तो चलिए आज हम इस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। 2024 की इंडियन एक्शन लैंग्वेज तेलुगु ड्रामा मूवी है। फिल्म को थिएटरली पहले पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ करना था, सोचा जा रहा था। फिल्म को सिर्फ तेलुगु वर्जन में थिएटरली रिलीज़ किया गया था। फिल्म को स्टोरी, आइडिया, डायलॉग, स्क्रीन प्ले, ये सब कुछ नाना शंकर ने किया है। उसके अलावा इस फिल्म को प्रोड्यूस करा है सुमन जी नायडू ने, जिन्होंने एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को बनाया हुआ था। सुब्रमण्यम ब्रेस्वरस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे वहीं पे इस मूवी को उन्हीं के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया गया था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को US सर्टिफिकेट भी मिला था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इसको 154 मिनट का रन टाइम मिला था। फिल्म के राइट्स वर्जन रॉयल मीडिया डिजिटल वाले को बेचे गए थे। उन्होंने इस फिल्म को हिंदी डब में, हिंदी में लेटर नाम के साथ बनवाया करवाया हुआ था। वहीं पे कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सुधीर बाबू, मालविका सन, सुनील के द्वारा लीड रोल में लेते हुए इनको बनाया गया था। और भी मुख्य कलाकार इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके अलावा सिनेमाटोग्राफिक अरविंद विश्वनाथ ने करी थी। और मैं आपको बता दूं, ये मूवी अभी यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे अवेलेबल नहीं है। और आपको अगर देखनी है, जैसे कि मैंने कहा था, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा ऑफिशियली और कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे यह फिल्म आपको टेलीविज़न पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। और ये मूवी आपको हॉटस्टार और अमेज़न प्राइम पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। ये दोनों OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, हॉटस्टार और अमेज़न प्राइम पे ये मूवी अवेलेबल है। और आपको दोस्त एक बार तो इस मूवी को जाके ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना चाहिए, और आपको पसंद भी आएगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले हैं, उस मूवी का नाम है हरो हरा। तो ये मूवी कहाँ पे, कैसे आपको हिंदी वर्जन देखने के लिए मिलेगा, ऑफिशियली कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे, कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे और कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। वहीं पे इस मूवी के ऊपर प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग रिव्यू मिलने वाला है, जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक स्टोरी, एक एनालिसिस करके मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो फर्स्ट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के नाम से। तो चलिए आइए करते हैं वीडियो को शुरू। हरोम हरा आज की हमारी मूवी का नाम है। तो चलिए आज हम इस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। 2024 की इंडियन एक्शन लैंग्वेज तेलुगु ड्रामा मूवी है। फिल्म को थिएटरली पहले पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ करना था, सोचा जा रहा था। फिल्म को सिर्फ तेलुगु वर्जन में थिएटरली रिलीज़ किया गया था। फिल्म को स्टोरी, आइडिया, डायलॉग, स्क्रीन प्ले, ये सब कुछ नाना शंकर ने किया है। उसके अलावा इस फिल्म को प्रोड्यूस करा है सुमन जी नायडू ने, जिन्होंने एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को बनाया हुआ था।
सुब्रमण्यम ब्रेसवरास प्रोडक्शन कंपनी के नीचे, यहीं पे इस मूवी को उन्हीं के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया गया था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को US सर्टिफिकेट भी मिला था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इसको 154 मिनट का रन टाइम मिला था। फिल्म के राइट्स वर्जन रॉयल मीडिया डिजिटल वाले को बेचे गए थे। उन्होंने इस फिल्म को हिंदी डब में, हिंदी में लेटर नाम के साथ बनवाया करवाया हुआ था। वहीं पर कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सुधीर बाबू, मालविका सन, सुनील के द्वारा लीड रोल में लेते हुए इनको बनाया गया था। और भी मुख्य कलाकार इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके अलावा सिनेमाटोग्राफिक अरविंद विश्वनाथ ने करी थी। और मैं आपको बता दूं, ये मूवी अभी यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे अवेलेबल नहीं है। और आपको अगर देखनी है, जैसे कि मैंने कहा था, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा ऑफिशियली और कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म, कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे ये फिल्म आपको टेलीविज़न पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। और ये मूवी आपको हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। ये दोनों OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे ये मूवी अवेलेबल है। और आपको दोस्त एक बार तो इस मूवी को जाके ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करना चाहिए, और आपको पसंद भी आएगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले, उस मूवी का नाम है हरो हरा। तो ये मूवी कहाँ पे, कैसे आपको हिंदी वर्जन देखने के लिए मिलेगा, ऑफिशियली कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे, कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे और कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। वहीं पे इस मूवी के ऊपर प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग रिव्यू मिलने वाला है, जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक स्टोरी, एक एनालिसिस करके मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो फर्स्ट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के नाम से। तो चलिए आइए करते हैं वीडियो को शुरू। हरोम हरा आज की हमारी मूवी का नाम है। तो चलिए आज हम इस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। 2024 की इंडियन एक्शन लैंग्वेज तेलुगु ड्रामा मूवी है। फिल्म को थिएटरली पहले पैन इंडिया लेवल पर रिलीज करना था सोचा जा रहा था। फिल्म को सिर्फ तेलुगु वर्जन में थिएटरली रिलीज किया गया था। फिल्म का स्टोरी, आइडिया, डायलॉग, स्क्रीन प्ले, ये सब कुछ नाना शंकर ने किया है। उसके अलावा इस फिल्म को प्रोड्यूस करा है सुमन जी नायडू ने, जिन्होंने एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को बनाया हुआ था सुब्रमण्यम ब्रेसवरास प्रोडक्शन कंपनी के नीचे। यहीं पे इस मूवी को उन्हीं के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया गया था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को US सर्टिफिकेट भी मिला था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इसको 154 मिनट का रन टाइम मिला था। फिल्म के राइट्स वर्जन रॉयल मीडिया डिजिटल वाले को बेचे गए थे। उन्होंने इस फिल्म को हिंदी डब में, हिंदी में लेटर नाम के साथ बनवाया करवाया हुआ था। वहीं पर कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सुधीर बाबू, मालविका सन, सुनील के द्वारा लीड रोल में लेते हुए इनको बनाया गया था। और भी मुख्य कलाकार इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके अलावा सिनेमाटोग्राफिक अरविंद विश्वनाथ ने करी थी। और मैं आपको बता दूं, ये मूवी अभी यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे अवेलेबल नहीं है। और आपको अगर देखनी है, जैसे कि मैंने कहा था, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा ऑफिशियली और कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म, कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे ये फिल्म आपको टेलीविज़न पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। और ये मूवी आपको हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। ये दोनों OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे ये मूवी अवेलेबल है। और आपको दोस्त एक बार तो इस मूवी को जाके ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करना चाहिए, और आपको पसंद भी आएगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले, उस मूवी का नाम है हरो हरा। तो ये मूवी कहाँ पे, कैसे आपको हिंदी वर्जन देखने के लिए मिलेगा, ऑफिशियली कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे, कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे और कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। वहीं पे इस मूवी के ऊपर प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी
मैं आपको बताने वाला हूँ। फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग रिव्यू मिलने वाला है, जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक स्टोरी, एक एनालिसिस करके मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो फर्स्ट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के नाम से। तो चलिए आइए करते हैं वीडियो को शुरू। हरोम हरा आज की हमारी मूवी का नाम है। तो चलिए आज हम इस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। 2024 की इंडियन एक्शन लैंग्वेज तेलुगु ड्रामा मूवी है। फिल्म को थिएटिकली पहले पैन इंडिया लेवल पर रिलीज करना था, सोचा जा रहा था। फिल्म को सिर्फ तेलुगु वर्जन में थिएटिकली रिलीज किया गया था। फिल्म को स्टोरी, आइडिया, डायलॉग, स्क्रीन प्ले, ये सब कुछ नाना शंकर ने किया है। उसके अलावा इस फिल्म को प्रोड्यूस करा है सुमन जी नायडू ने, जिन्होंने एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को बनाया हुआ था। सुब्रमण्यम ब्रेसवरास प्रोडक्शन कंपनी के नीचे यहीं पे इस मूवी को उन्हीं के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया गया था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को US सर्टिफिकेट भी मिला था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इसको 154 मिनट का रन टाइम मिला था। फिल्म के राइट्स वर्जन रॉयल मीडिया डिजिटल वाले को बेचे गए थे। उन्होंने इस फिल्म को हिंदी डब में, हिंदी में लेटर नाम के साथ बनवाया करवाया हुआ था। वहीं पर कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सुधीर बाबू, मालविका सन, सुनील के द्वारा लीड रोल में लेते हुए इनको बनाया गया था। और भी मुख्य कलाकार इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके अलावा सिनेमाटोग्राफिक अरविंद विश्वनाथ ने करी थी। और मैं आपको बता दूं, ये मूवी अभी यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे अवेलेबल नहीं है। और आपको अगर देखनी है, जैसे कि मैंने कहा था, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा ऑफिशियली और कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे यह फिल्म आपको टेलीविज़न पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। और ये मूवी आपको हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। ये दोनों OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे ये मूवी अवेलेबल है। और आपको दोस्तों एक बार तो इस मूवी को जाके ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करना चाहिए, और आपको पसंद भी आएगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले हैं, उस मूवी का नाम है हरो हरा। तो ये मूवी कहाँ पे, कैसे आपको हिंदी वर्जन देखने के लिए मिलेगा, ऑफिशियली कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे, कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे और कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। वहीं पर इस मूवी के ऊपर प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग रिव्यू मिलने वाला है, जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक स्टोरी, एक एनालिसिस करके मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो फर्स्ट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के नाम से। तो चलिए आइए करते हैं वीडियो को शुरू। हरोम हरा आज की हमारी मूवी का नाम है। तो चलिए आज हम इस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। 2024 की इंडियन एक्शन लैंग्वेज तेलुगु ड्रामा मूवी है। फिल्म को थिएटिकली पहले पैन इंडिया लेवल पर रिलीज करना था, सोचा जा रहा था। फिल्म को सिर्फ तेलुगु वर्जन में थिएटिकली रिलीज किया गया था। फिल्म को स्टोरी, आइडिया, डायलॉग, स्क्रीन प्ले, ये सब कुछ नाना शंकर ने किया है। उसके अलावा इस फिल्म को प्रोड्यूस करा है सुमन जी नायडू ने, जिन्होंने एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को बनाया हुआ था। सुब्रमण्यम ब्रेसवरास प्रोडक्शन कंपनी के नीचे यहीं पे इस मूवी को उन्हीं के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया गया था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को US सर्टिफिकेट भी मिला था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इसको 154 मिनट का रन टाइम मिला था। फिल्म के राइट्स वर्जन रॉयल मीडिया डिजिटल वाले को बेचे गए थे। उन्होंने इस फिल्म को हिंदी डब में, हिंदी में लेटर नाम के साथ बनवाया करवाया हुआ था। वहीं पर कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सुधीर बाबू, मालविका सन, सुनील के द्वारा लीड रोल में लेते हुए इनको बनाया गया था। और भी मुख्य कलाकार इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे।
उसके अलावा सिनेमाटोग्राफिक अरविंद विश्वनाथ ने करी थी। और मैं आपको बता दूँ, ये मूवी अभी यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे अवेलेबल नहीं है, और आपको अगर देखनी है, जैसे कि मैंने कहा था इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा ऑफिशियली और कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे यह फिल्म आपको टेलीविज़न पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। और ये मूवी आपको हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। ये दोनों OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे ये मूवी अवेलेबल है। और आपको दोस्तों एक बार तो इस मूवी को जाके ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करना चाहिए, और आपको पसंद भी आएगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले, उस मूवी का नाम है हरो हरा। तो ये मूवी कहाँ पे कैसे आपको हिंदी वर्जन देखने के लिए मिलेगा, ऑफिशियली कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे, कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे और कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। वहीं पे इस मूवी के ऊपर प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग रिव्यू मिलने वाला है, जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक स्टोरी, एक एनालिसिस करके मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो फर्स्ट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के नाम से। तो चलिए आइए करते हैं वीडियो को शुरू। हरोम हरा आज की हमारी मूवी का नाम है। तो चलिए आज हम इस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। 2024 की इंडियन एक्शन लैंग्वेज तेलुगु ड्रामा मूवी है। फिल्म को थिएटरली पहले पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ करना था सोचा जा रहा था, फिल्म को सिर्फ तेलुगु वर्जन में थिएटरली रिलीज़ किया गया था। फिल्म का स्टोरी, आइडिया, डायलॉग, स्क्रीन प्ले, ये सब कुछ नाना शंकर ने किया है। उसके अलावा इस फिल्म को प्रोड्यूस कराया है सुमन जी नायडू ने, जिन्होंने एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को बनाया हुआ था। सुब्रमण्यम ब्रेसवरास प्रोडक्शन कंपनी के नीचे यहीं पे इस मूवी को उन्हीं के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया गया था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को US सर्टिफिकेट भी मिला था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इसको 154 मिनट का रन टाइम मिला था। फिल्म के राइट्स वर्जन रॉयल मीडिया डिजिटल वाले को बेचे गए थे। उन्होंने इस फिल्म को हिंदी डब में, हिंदी में लेटर नाम के साथ बनवाया करवाया हुआ था। वहीं पे कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सुधीर बाबू, मालविका सन, सुनील के द्वारा लीड रोल में लेते हुए इनको बनाया गया था। और भी मुख्य कलाकार इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके अलावा सिनेमाटोग्राफिक अरविंद विश्वनाथ ने करी थी। और मैं आपको बता दूँ, ये मूवी अभी यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे अवेलेबल नहीं है, और आपको अगर देखनी है, जैसे कि मैंने कहा था इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा ऑफिशियली और कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे यह फिल्म आपको टेलीविज़न पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। और ये मूवी आपको हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। ये दोनों OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे ये मूवी अवेलेबल है। और आपको दोस्तों एक बार तो इस मूवी को जाके ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करना चाहिए, और आपको पसंद भी आएगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले, उस मूवी का नाम है हरो हरा। तो ये मूवी कहाँ पे कैसे आपको हिंदी वर्जन देखने के लिए मिलेगा, ऑफिशियली कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे, कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे और कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। वहीं पे इस मूवी के ऊपर प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग रिव्यू मिलने वाला है, जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक स्टोरी, एक एनालिसिस करके मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो फर्स्ट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के नाम से। तो चलिए आइए करते हैं वीडियो को शुरू। हरोम हरा आज की हमारी मूवी का नाम है। तो चलिए आज हम इस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। 2024 की इंडियन एक्शन लैंग्वेज तेलुगु ड्रामा मूवी है।
फिल्म को 3 डिग्री पहले पैन इंडिया लेवल पर रिलीज करना था, सोचा जा रहा था। फिल्म को सिर्फ तेलुगु वर्जन में 3 डिग्री रिलीज किया गया था। फिल्म का स्टोरी आइडिया, डायलॉग, स्क्रीन प्ले, ये सब कुछ नाना शंकर ने किया है। उसके अलावा इस फिल्म को प्रोड्यूस करा है सुमन जी नायडू ने, जिन्होंने एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को बनाया हुआ था। सुब्रमण्यम ब्रेसवरास प्रोडक्शन कंपनी के नीचे यहीं पे इस मूवी को उन्हीं के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया गया था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को US सर्टिफिकेट भी मिला था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इसको 154 मिनट का रन टाइम मिला था। फिल्म के राइट्स वर्जन रॉयल मीडिया डिजिटल वाले को बेचे गए थे। उन्होंने इस फिल्म को हिंदी डब में, हिंदी में लेटर नाम के साथ बनवाया करवाया हुआ था। वहीं पर कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सुधीर बाबू, मालविका सन, सुनील के द्वारा लीड रोल में लेते हुए इनको बनाया गया था। और भी मुख्य कलाकार इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके अलावा सिनेमाटोग्राफिक अरविंद विश्वनाथ ने करी थी। और मैं आपको बता दूं, ये मूवी अभी यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे अवेलेबल नहीं है। और आपको अगर देखनी है, जैसे कि मैंने कहा था, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा ऑफिशियली और कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे ये फिल्म आपको टेलीविज़न पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। और ये मूवी आपको हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। ये दोनों OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे ये मूवी अवेलेबल है। और आपको दोस्त एक बार तो इस मूवी को जाके ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करना चाहिए, और आपको पसंद भी आएगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले हैं, उस मूवी का नाम है हरो हरा। तो ये मूवी कहाँ पे, कैसे आपको हिंदी वर्जन देखने के लिए मिलेगा, ऑफिशियली कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे, कौन कौन से सैटेलाइट चैनल पे और कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। वहीं पे इस मूवी के ऊपर प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग रिव्यू मिलने वाला है, जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक स्टोरी, एक एनालिसिस करके मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो फर्स्ट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के नाम से। तो चलिए आइए करते हैं वीडियो को शुरू। हरोम हरा आज की हमारी मूवी का नाम है। तो चलिए आज हम इस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। 2024 की इंडियन एक्शन लैंग्वेज तेलुगु ड्रामा मूवी है। फिल्म को 3 डिग्री पहले पैन इंडिया लेवल पर रिलीज करना था, सोचा जा रहा था। फिल्म को सिर्फ तेलुगु वर्जन में 3 डिग्री रिलीज किया गया था। फिल्म का स्टोरी आइडिया, डायलॉग, स्क्रीन प्ले, ये सब कुछ नाना शंकर ने किया है। उसके अलावा इस फिल्म को प्रोड्यूस करा है सुमन जी नायडू ने, जिन्होंने एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को बनाया हुआ था। सुब्रमण्यम ब्रेसवरास प्रोडक्शन कंपनी के नीचे यहीं पे इस मूवी को उन्हीं के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया गया था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को US सर्टिफिकेट भी मिला था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इसको 154 मिनट का रन टाइम मिला था। फिल्म के राइट्स वर्जन रॉयल मीडिया डिजिटल वाले को बेचे गए थे। उन्होंने इस फिल्म को हिंदी डब में, हिंदी में लेटर नाम के साथ बनवाया करवाया हुआ था। वहीं पर कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सुधीर बाबू, मालविका सन, सुनील के द्वारा लीड रोल में लेते हुए इनको बनाया गया था। और भी मुख्य कलाकार इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके अलावा सिनेमाटोग्राफिक अरविंद विश्वनाथ ने करी थी। और मैं आपको बता दूं, ये मूवी अभी यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे अवेलेबल नहीं है। और आपको अगर देखनी है, जैसे कि मैंने कहा था, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा ऑफिशियली और कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे ये फिल्म आपको टेलीविज़न पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। और ये मूवी आपको हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। ये दोनों OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे ये मूवी अवेलेबल है। और आपको दोस्त एक बार तो इस मूवी को जाके ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करना चाहिए, और आपको पसंद भी आएगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों,
हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले हैं उस मूवी का नाम है हरो हरा। तो ये मूवी कहाँ पे, कैसे आपको हिंदी वर्जन देखने के लिए मिलेगा, ऑफिशियली कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे, कौन कौन से सैटेलाइट चैनल पे और कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। वहीं पर इस मूवी के ऊपर प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग रिव्यू मिलने वाला है, जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक स्टोरी, एक एनालिसिस करके मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो फर्स्ट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के नाम से। तो चलिए आइए करते हैं वीडियो को शुरू। हरोम हरा आज की हमारी मूवी का नाम है। तो चलिए आज हम इस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। 2024 की इंडियन एक्शन लैंग्वेज तेलुगु ड्रामा मूवी है। फिल्म को थिएटरली पहले पैन इंडिया लेवल पर रिलीज करना था, सोचा जा रहा है। फिल्म को सिर्फ तेलुगु वर्जन में थिएटरली रिलीज किया गया था। फिल्म को स्टोरी, आइडिया, डायलॉग, स्क्रीन प्ले, ये सब कुछ नाना शंकर ने किया है। उसके अलावा इस फिल्म को प्रोड्यूस करा है सुमन जी नायडू ने, जिन्होंने एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को बनाया हुआ था। सुब्रमण्यम ब्रेस्वरास प्रोडक्शन कंपनी के नीचे यहीं पे इस मूवी को उन्हीं के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया गया था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को US सर्टिफिकेट भी मिला था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इसको 154 मिनट का रन टाइम मिला था। फिल्म के राइट्स वर्जन रॉयल मीडिया डिजिटल वाले को बेचे गए थे। उन्होंने इस फिल्म को हिंदी डब में, हिंदी में लेटर नाम के साथ बनवाया करवाया हुआ था। वहीं पे कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सुधीर बाबू, मालविका सन, सुनील के द्वारा लीड रोल में लेते हुए इनको बनाया गया था। और भी मुख्य कलाकार इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके अलावा सिनेमाटोग्राफी अरविंद विश्वनाथ ने करी थी। और मैं आपको बता दूं, ये मूवी अभी यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे अवेलेबल नहीं है। और आपको अगर देखनी है, जैसे कि मैंने कहा था, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा ऑफिशियली और कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे ये फिल्म आपको टेलीविज़न पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। और ये मूवी आपको हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। ये दोनों OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे ये मूवी अवेलेबल है। और आपको दोस्त एक बार तो इस मूवी को जाके ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना चाहिए, और आपको पसंद भी आएगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले हैं उस मूवी का नाम है हरो हरा। तो ये मूवी कहाँ पे, कैसे आपको हिंदी वर्जन देखने के लिए मिलेगा, ऑफिशियली कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे, कौन कौन से सैटेलाइट चैनल पे और कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। वहीं पे इस मूवी के ऊपर प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग रिव्यू मिलने वाला है, जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक स्टोरी, एक एनालिसिस करके मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो फर्स्ट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के नाम से। तो चलिए आइए करते हैं वीडियो को शुरू। हरोम हरा आज की हमारी मूवी का नाम है। तो चलिए आज हम इस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। 2024 की इंडियन एक्शन लैंग्वेज तेलुगु ड्रामा मूवी है। फिल्म को थिएटरली पहले पैन इंडिया लेवल पर रिलीज करना था, सोचा जा रहा था। फिल्म को सिर्फ तेलुगु वर्जन में थिएटरली रिलीज किया गया था। फिल्म को स्टोरी, आइडिया, डायलॉग, स्क्रीन प्ले, ये सब कुछ नाना शंकर ने किया है। उसके अलावा इस फिल्म को प्रोड्यूस करा है सुमन जी नायडू ने, जिन्होंने एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को बनाया हुआ था। सुब्रमण्यम ब्रेस्वरास प्रोडक्शन कंपनी के नीचे यहीं पे इस मूवी को उन्हीं के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया गया था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को US सर्टिफिकेट भी मिला था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इसको 154 मिनट का रन टाइम मिला था। फिल्म के राइट्स वर्जन रॉयल मीडिया डिजिटल वाले को बेचे गए थे। उन्होंने इस फिल्म को हिंदी डब में, हिंदी में लेटर नाम के साथ
बनवाया करवाया हुआ था। वहीं पे कास्टिंग के ऊपर बातचीत करी तो सुधीर बाबू मालविका सन सुनील के द्वारा लीड रोल में लेते हुए इनको बनाया गया था। और भी मुख्य कलाकार इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके अलावा सिनेमाटोग्राफिक अरविंद विश्वनाथ ने करी थी। और मैं आपको बता दूँ, ये मूवी अभी यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे अवेलेबल नहीं है। और आपको अगर देखनी है, जैसे कि मैंने कहा था इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा ऑफिशियली और कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे यह फिल्म आपको टेलीविज़न पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। और ये मूवी आपको हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। ये दोनों OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे ये मूवी अवेलेबल है। और आपको दोस्तों एक बार तो इस मूवी को जाके ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करना चाहिए और आपको पसंद भी आएगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले, उस मूवी का नाम है हरो हरा। तो ये मूवी कहाँ पे कैसे आपको हिंदी वर्जन देखने के लिए मिलेगा, ऑफिशियली कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे, कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे और कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। वहीं पे इस मूवी के ऊपर प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग रिव्यू मिलने वाला है, जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक स्टोरी, एक एनालिसिस करके मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो फर्स्ट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के नाम से। तो चलिए आइए करते हैं वीडियो को शुरू। हरोम हरा आज की हमारी मूवी का नाम है। तो चलिए आज हम इस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। 2024 की इंडियन एक्शन लैंग्वेज तेलुगु ड्रामा मूवी है। फिल्म को थिएटरली पहले पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ करना था सोचा जा रहा था। फिल्म को सिर्फ तेलुगु वर्जन में थिएटरली रिलीज़ किया गया था। फिल्म का स्टोरी, आइडिया, डायलॉग, स्क्रीन प्ले, ये सब कुछ नाना शंकर ने किया है। उसके अलावा इस फिल्म को प्रोड्यूस कराया है सुमन जी नायडू ने, जिन्होंने एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को बनाया हुआ था। सुब्रमण्यम ब्रेसवरास प्रोडक्शन कंपनी के नीचे यहीं पे इस मूवी को उन्हीं के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया गया था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को US सर्टिफिकेट भी मिला था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इसको 154 मिनट का रन टाइम मिला था। फिल्म के राइट्स वर्जन रॉयल मीडिया डिजिटल वाले को बेचे गए थे। उन्होंने इस फिल्म को हिंदी डब में, हिंदी में लेटर नाम के साथ बनवाया करवाया हुआ था। वहीं पर कास्टिंग के ऊपर बातचीत करी तो सुधीर बाबू मालविका सन सुनील के द्वारा लीड रोल में लेते हुए इनको बनाया गया था। और भी मुख्य कलाकार इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके अलावा सिनेमाटोग्राफिक अरविंद विश्वनाथ ने करी थी। और मैं आपको बता दूँ, ये मूवी अभी यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे अवेलेबल नहीं है। और आपको अगर देखनी है, जैसे कि मैंने कहा था इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा ऑफिशियली और कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे यह फिल्म आपको टेलीविज़न पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। और ये मूवी आपको हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। ये दोनों OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे ये मूवी अवेलेबल है। और आपको दोस्तों एक बार तो इस मूवी को जाके ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करना चाहिए और आपको पसंद भी आएगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले, उस मूवी का नाम है हरो हरा। तो ये मूवी कहाँ पे कैसे आपको हिंदी वर्जन देखने के लिए मिलेगा, ऑफिशियली कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे, कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे और कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। वहीं पे इस मूवी के ऊपर प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग रिव्यू मिलने वाला है, जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक स्टोरी, एक एनालिसिस करके मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो फर्स्ट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के नाम से। तो चलिए आइए करते हैं वीडियो को शुरू। हरोम हरा
आज की हमारी मूवी का नाम है। तो चलिए आज हम इस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। 2024 की इंडियन एक्शन लैंग्वेज तेलुगु ड्रामा मूवी है। फिल्म को थिएटरली पहले पैन इंडिया लेवल पर रिलीज करना था, सोचा जा रहा था। फिल्म को सिर्फ तेलुगु वर्जन में थिएटरली रिलीज किया गया था। फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रीन प्ले ये सब कुछ नाना शंकर ने किया है। उसके अलावा इस फिल्म को प्रोड्यूस करा है सुमन जी नायडू ने, जिन्होंने एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को बनाया हुआ था। सुब्रमण्यम ब्रेसवरास प्रोडक्शन कंपनी के नीचे यहीं पे इस मूवी को उन्हीं के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया गया था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को US सर्टिफिकेट भी मिला था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इसको 154 मिनट का रन टाइम मिला था। फिल्म के राइट्स वर्जन रॉयल मीडिया डिजिटल वाले को बेचे गए थे। उन्होंने इस फिल्म को हिंदी डब में हिंदी में लेटर नाम के साथ बनवाया करवाया हुआ था। वहीं पर कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सुधीर बाबू मालविका सन सुनील के द्वारा लीड रोल में लेते हुए इनको बनाया गया था। और भी मुख्य कलाकार इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके अलावा सिनेमाटोग्राफिक अरविंद विश्वनाथ ने करी थी। और मैं आपको बता दूं, ये मूवी अभी यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे अवेलेबल नहीं है। और आपको अगर देखनी है, जैसे कि मैंने कहा था इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा ऑफिशियली और कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे ये फिल्म आपको टेलीविज़न पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। और ये मूवी आपको हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। ये दोनों OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे ये मूवी अवेलेबल है। और आपको दोस्त एक बार तो इस मूवी को जाके ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करना चाहिए और आपको पसंद भी आएगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले हैं उस मूवी का नाम है हरो हरा। तो ये मूवी कहाँ पे कैसे आपको हिंदी वर्जन देखने के लिए मिलेगा, ऑफिशियली कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे, कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे और कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। वहीं पे इस मूवी के ऊपर प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग रिव्यू मिलने वाला है, जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक स्टोरी एक एनालिसिस करके मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो फर्स्ट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के नाम से। तो चलिए आइए करते हैं वीडियो को शुरू। हरोम हरा आज की हमारी मूवी का नाम है। तो चलिए आज हम इस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। 2024 की इंडियन एक्शन लैंग्वेज तेलुगु ड्रामा मूवी है। फिल्म को थिएटरली पहले पैन इंडिया लेवल पर रिलीज करना था, सोचा जा रहा था। फिल्म को सिर्फ तेलुगु वर्जन में थिएटरली रिलीज किया गया था। फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रीन प्ले ये सब कुछ नाना शंकर ने किया है। उसके अलावा इस फिल्म को प्रोड्यूस करा है सुमन जी नायडू ने, जिन्होंने एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को बनाया हुआ था। सुब्रमण्यम ब्रेसवरास प्रोडक्शन कंपनी के नीचे यहीं पे इस मूवी को उन्हीं के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया गया था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को US सर्टिफिकेट भी मिला था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इसको 154 मिनट का रन टाइम मिला था। फिल्म के राइट्स वर्जन रॉयल मीडिया डिजिटल वाले को बेचे गए थे। उन्होंने इस फिल्म को हिंदी डब में हिंदी में लेटर नाम के साथ बनवाया करवाया हुआ था। वहीं पर कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सुधीर बाबू मालविका सन सुनील के द्वारा लीड रोल में लेते हुए इनको बनाया गया था। और भी मुख्य कलाकार इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके अलावा सिनेमाटोग्राफिक अरविंद विश्वनाथ ने करी थी। और मैं आपको बता दूं, ये मूवी अभी यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे अवेलेबल नहीं है। और आपको अगर देखनी है, जैसे कि मैंने कहा था इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा ऑफिशियली और कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे ये फिल्म आपको टेलीविज़न पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। और ये मूवी आपको हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। ये दोनों OTT प्लेटफॉर्म पे
अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, हॉटस्टार और अमेज़न प्राइम पे ये मूवी अवेलेबल है। और आपको दोस्त एक बार तो इस मूवी को जाके ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करना चाहिए, और आपको पसंद भी आएगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले, उस मूवी का नाम है हरो हरा। तो ये मूवी कहाँ पे, कैसे आपको हिंदी वर्जन देखने के लिए मिलेगा, ऑफिशियली कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे, कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे और कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। वहीं पे इस मूवी के ऊपर प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग रिव्यू मिलने वाला है, जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक स्टोरी, एक एनालिसिस करके मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो फर्स्ट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के नाम से। तो चलिए आइए करते हैं वीडियो को शुरू। हरोम हरा आज की हमारी मूवी का नाम है। तो चलिए आज हम इस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। 2024 की इंडियन एक्शन लैंग्वेज तेलुगु ड्रामा मूवी है। फिल्म को थिएटरली पहले पैन इंडिया लेवल पर रिलीज करना था सोचा जा रहा था, फिल्म को सिर्फ तेलुगु वर्जन में थिएटरली रिलीज किया गया था। फिल्म को स्टोरी, आइडिया, डायलॉग, स्क्रीन प्ले, ये सब कुछ नाना शंकर ने किया है। उसके अलावा इस फिल्म को प्रोड्यूस करा है सुमन जी नायडू ने, जिन्होंने एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को बनाया हुआ था। सुब्रमण्यम ब्रेसवरास प्रोडक्शन कंपनी के नीचे यहीं पे इस मूवी को उन्हीं के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया गया था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को US सर्टिफिकेट भी मिला था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इसको 154 मिनट का रन टाइम मिला था। फिल्म के राइट्स वर्जन रॉयल मीडिया डिजिटल वाले को बेचे गए थे। उन्होंने इस फिल्म को हिंदी डब में, हिंदी में लेटर नाम के साथ बनवाया करवाया हुआ था। वहीं पर कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सुधीर बाबू, मालविका सन, सुनील के द्वारा लीड रोल में लेते हुए इनको बनाया गया था। और भी मुख्य कलाकार इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके अलावा सिनेमाटोग्राफिक अरविंद विश्वनाथ ने करी थी। और मैं आपको बता दूं, ये मूवी अभी यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे अवेलेबल नहीं है, और आपको अगर देखनी है, जैसे कि मैंने कहा था, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा ऑफिशियली और कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे यह फिल्म आपको टेलीविज़न पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। और ये मूवी आपको हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। ये दोनों OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे ये मूवी अवेलेबल है। और आपको दोस्त एक बार तो इस मूवी को जाके ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करना चाहिए, और आपको पसंद भी आएगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले, उस मूवी का नाम है हरो हरा। तो ये मूवी कहाँ पे, कैसे आपको हिंदी वर्जन देखने के लिए मिलेगा, ऑफिशियली कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे, कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे और कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। वहीं पे इस मूवी के ऊपर प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग रिव्यू मिलने वाला है, जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक स्टोरी, एक एनालिसिस करके मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो फर्स्ट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के नाम से। तो चलिए आइए करते हैं वीडियो को शुरू। हरोम हरा आज की हमारी मूवी का नाम है। तो चलिए आज हम इस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। 2024 की इंडियन एक्शन लैंग्वेज तेलुगु ड्रामा मूवी है। फिल्म को थिएटरली पहले पैन इंडिया लेवल पर रिलीज करना था सोचा जा रहा था, फिल्म को सिर्फ तेलुगु वर्जन में थिएटरली रिलीज किया गया था। फिल्म को स्टोरी, आइडिया, डायलॉग, स्क्रीन प्ले, ये सब कुछ नाना शंकर ने किया है। उसके अलावा इस फिल्म को प्रोड्यूस करा है सुमन जी नायडू ने, जिन्होंने एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को बनाया हुआ था। सुब्रमण्यम ब्रेसवरास प्रोडक्शन कंपनी के नीचे यहीं पे इस मूवी को उन्हीं के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया गया था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को US सर्टिफिकेट भी मिला था।
सेंसर बोर्ड की तरफ से इसको 154 मिनट का रन टाइम मिला था। फिल्म के राइट्स वर्जन रॉयल मीडिया डिजिटल वाले को बेचे गए थे। उन्होंने इस फिल्म को हिंदी डब में हिंदी में लेटर नाम के साथ बनवाया करवाया हुआ था। वहीं पर कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सुधीर बाबू मालविका सन सुनील के द्वारा लीड रोल में लेते हुए इनको बनाया गया था। और भी मुख्य कलाकार इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके अलावा सिनेमाटोग्राफिक अरविंद विश्वनाथ ने करी थी। और मैं आपको बता दूं, ये मूवी अभी यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे अवेलेबल नहीं है। और आपको अगर देखनी है, जैसे कि मैंने कहा था इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा ऑफिशियली और कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे यह फिल्म आपको टेलीविज़न पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। और ये मूवी आपको हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। ये दोनों OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे ये मूवी अवेलेबल है। और आपको दोस्तों एक बार तो इस मूवी को जाके ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करना चाहिए और आपको पसंद भी आएगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले, उस मूवी का नाम है हरो हरा। तो ये मूवी कहाँ पे कैसे आपको हिंदी वर्जन देखने के लिए मिलेगा, ऑफिशियली कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे, कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे और कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। वहीं पर इस मूवी के ऊपर प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग रिव्यू मिलने वाला है, जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक स्टोरी, एक एनालिसिस करके मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो फर्स्ट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के नाम से। तो चलिए आइए करते हैं वीडियो को शुरू। हरोम हरा आज की हमारी मूवी का नाम है। तो चलिए आज हम इस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। 2024 की इंडियन एक्शन लैंग्वेज तेलुगु ड्रामा मूवी है। फिल्म को थिएटरली पहले पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ करना था सोचा जा रहा था। फिल्म को सिर्फ तेलुगु वर्जन में थिएटरली रिलीज़ किया गया था। फिल्म को स्टोरी, आइडिया, डायलॉग, स्क्रीन प्ले सब कुछ नाना शंकर ने किया है। उसके अलावा इस फिल्म को प्रोड्यूस करा है सुमन जी नायडू ने, जिन्होंने एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को बनाया हुआ था। सुब्रमण्यम ब्रेसवरास प्रोडक्शन कंपनी के नीचे यहीं पे इस मूवी को उन्हीं के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया गया था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को US सर्टिफिकेट भी मिला था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इसको 154 मिनट का रन टाइम मिला था। फिल्म के राइट्स वर्जन रॉयल मीडिया डिजिटल वाले को बेचे गए थे। उन्होंने इस फिल्म को हिंदी डब में हिंदी में लेटर नाम के साथ बनवाया करवाया हुआ था। वहीं पर कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सुधीर बाबू मालविका सन सुनील के द्वारा लीड रोल में लेते हुए इनको बनाया गया था। और भी मुख्य कलाकार इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके अलावा सिनेमाटोग्राफिक अरविंद विश्वनाथ ने करी थी। और मैं आपको बता दूं, ये मूवी अभी यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे अवेलेबल नहीं है। और आपको अगर देखनी है, जैसे कि मैंने कहा था इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा ऑफिशियली और कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे यह फिल्म आपको टेलीविज़न पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। और ये मूवी आपको हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। ये दोनों OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे ये मूवी अवेलेबल है। और आपको दोस्तों एक बार तो इस मूवी को जाके ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करना चाहिए और आपको पसंद भी आएगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले, उस मूवी का नाम है हरो हरा। तो ये मूवी कहाँ पे कैसे आपको हिंदी वर्जन देखने के लिए मिलेगा, ऑफिशियली कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे, कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे और कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। वहीं पे इस मूवी के ऊपर प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग रिव्यू मिलने वाला है, जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक स्टोरी, एक एनालिसिस करके
मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो फर्स्ट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के नाम से। तो चलिए आइए करते हैं वीडियो को शुरू। हरोम हरा आज की हमारी मूवी का नाम है। तो चलिए आज हम इस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। 2024 की इंडियन एक्शन लैंग्वेज तेलुगु ड्रामा मूवी है। फिल्म को थिएटरली पहले पैन इंडिया लेवल पर रिलीज करना था, सोचा जा रहा था। फिल्म को सिर्फ तेलुगु वर्जन में थिएटरली रिलीज किया गया था। फिल्म को स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रीन प्ले ये सब कुछ नाना शंकर ने किया है। उसके अलावा इस फिल्म को प्रोड्यूस करा है सुमन जी नायडू ने, जिन्होंने एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को बनाया हुआ था सुब्रमण्यम ब्रेसवरास प्रोडक्शन कंपनी के नीचे। यहीं पे इस मूवी को उन्हीं के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया गया था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को US सर्टिफिकेट भी मिला था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इसको 154 मिनट का रन टाइम मिला था। फिल्म के राइट्स वर्जन रॉयल मीडिया डिजिटल वाले को बेचे गए थे। उन्होंने इस फिल्म को हिंदी में लेटर नाम के साथ करवाया हुआ था। वहीं पर कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सुधीर बाबू मालविका सन सुनील के द्वारा लीड रोल में लेते हुए इनको बनाया गया था। और भी मुख्य कलाकार इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके अलावा सिनेमाटोग्राफिक अरविंद विश्वनाथ ने करी थी। और मैं आपको बता दूं ये मूवी अभी यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे अवेलेबल नहीं है। और आपको अगर देखनी है, जैसे कि मैंने कहा था इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा ऑफिशियली और कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे ये फिल्म आपको टेलीविज़न पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। और ये मूवी आपको हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। ये दोनों OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे ये मूवी अवेलेबल है। और आपको दोस्त एक बार तो इस मूवी को जाके ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करना चाहिए और आपको पसंद भी आएगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले हैं उस मूवी का नाम है हरो हरा। तो ये मूवी कहाँ पे कैसे आपको हिंदी वर्जन देखने के लिए मिलेगा, ऑफिशियली कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे, कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे और कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। वहीं पे इस मूवी के ऊपर प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग रिव्यू मिलने वाला है जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक स्टोरी एक एनालिसिस करके मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो फर्स्ट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के नाम से। तो चलिए आइए करते हैं वीडियो को शुरू। हरोम हरा आज की हमारी मूवी का नाम है। तो चलिए आज हम इस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। 2024 की इंडियन एक्शन लैंग्वेज तेलुगु ड्रामा मूवी है। फिल्म को थिएटरली पहले पैन इंडिया लेवल पर रिलीज करना था, सोचा जा रहा था। फिल्म को सिर्फ तेलुगु वर्जन में थिएटरली रिलीज किया गया था। फिल्म को स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रीन प्ले ये सब कुछ नाना शंकर ने किया है। उसके अलावा इस फिल्म को प्रोड्यूस करा है सुमन जी नायडू ने, जिन्होंने एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को बनाया हुआ था सुब्रमण्यम ब्रेसवरास प्रोडक्शन कंपनी के नीचे। यहीं पे इस मूवी को उन्हीं के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया गया था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को US सर्टिफिकेट भी मिला था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इसको 154 मिनट का रन टाइम मिला था। फिल्म के राइट्स वर्जन रॉयल मीडिया डिजिटल वाले को बेचे गए थे। उन्होंने इस फिल्म को हिंदी में लेटर नाम के साथ करवाया हुआ था। वहीं पर कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सुधीर बाबू मालविका सन सुनील के द्वारा लीड रोल में लेते हुए इनको बनाया गया था। और भी मुख्य कलाकार इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके अलावा सिनेमाटोग्राफिक अरविंद विश्वनाथ ने करी थी। और मैं आपको बता दूं ये मूवी अभी यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे अवेलेबल नहीं है। और आपको अगर देखनी है, जैसे कि मैंने कहा था इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा ऑफिशियली और कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे ये फिल्म आपको टेलीविज़न पे भी देखने के लिए मिल जाएगी।
और ये मूवी आपको हॉटस्टार और अमेज़न प्राइम पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। ये दोनों OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, हॉटस्टार और अमेज़न प्राइम पे ये मूवी अवेलेबल है। और आपको दोस्त एक बार तो इस मूवी को जाके ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना चाहिए, और आपको पसंद भी आएगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले, उस मूवी का नाम है हरो हरा। तो ये मूवी कहाँ पे, कैसे आपको हिंदी वर्जन देखने के लिए मिलेगा, ऑफिशियली कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे, कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे और कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। वहीं पे इस मूवी के ऊपर प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग रिव्यू मिलने वाला है, जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक स्टोरी, एक एनालिसिस करके मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो फर्स्ट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के नाम से। तो चलिए आइए करते हैं वीडियो को शुरू। हरोम हरा आज की हमारी मूवी का नाम है। तो चलिए आज हम इस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। 2024 की इंडियन एक्शन लैंग्वेज तेलुगु ड्रामा मूवी है। फिल्म को थिएटरली पहले पैन इंडिया लेवल पर रिलीज करना था, सोचा जा रहा है। फिल्म को सिर्फ तेलुगु वर्जन में थिएटरली रिलीज किया गया था। फिल्म को स्टोरी, आइडिया, डायलॉग, स्क्रीन प्ले, ये सब कुछ नाना शंकर ने किया है। उसके अलावा इस फिल्म को प्रोड्यूस करा है सुमन जी नायडू ने, जिन्होंने एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को बनाया हुआ था। सुब्रमण्यम ब्रेस्वरस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे यहीं पे इस मूवी को उन्हीं के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया गया था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को US सर्टिफिकेट भी मिला था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इसको 154 मिनट का रन टाइम मिला था। फिल्म के राइट्स वर्जन रॉयल मीडिया डिजिटल वाले को बेचे गए थे। उन्होंने इस फिल्म को हिंदी डब में, हिंदी में लेटर नाम के साथ बनवाया करवाया हुआ था। वहीं पे कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सुधीर बाबू, मालविका सन, सुनील के द्वारा लीड रोल में लेते हुए इनको बनाया गया था। और भी मुख्य कलाकार इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके अलावा सिनेमाटोग्राफी अरविंद विश्वनाथ ने करी थी। और मैं आपको बता दूं, ये मूवी अभी यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे अवेलेबल नहीं है। और आपको अगर देखनी है, जैसे कि मैंने कहा था, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा ऑफिशियली और कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे ये फिल्म आपको टेलीविज़न पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। और ये मूवी आपको हॉटस्टार और अमेज़न प्राइम पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। ये दोनों OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, हॉटस्टार और अमेज़न प्राइम पे ये मूवी अवेलेबल है। और आपको दोस्त एक बार तो इस मूवी को जाके ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना चाहिए, और आपको पसंद भी आएगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले, उस मूवी का नाम है हरो हरा। तो ये मूवी कहाँ पे, कैसे आपको हिंदी वर्जन देखने के लिए मिलेगा, ऑफिशियली कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे, कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे और कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। वहीं पे इस मूवी के ऊपर प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग रिव्यू मिलने वाला है, जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक स्टोरी, एक एनालिसिस करके मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो फर्स्ट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के नाम से। तो चलिए आइए करते हैं वीडियो को शुरू। हरोम हरा आज की हमारी मूवी का नाम है। तो चलिए आज हम इस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। 2024 की इंडियन एक्शन लैंग्वेज तेलुगु ड्रामा मूवी है। फिल्म को थिएटरली पहले पैन इंडिया लेवल पर रिलीज करना था, सोचा जा रहा था। फिल्म को सिर्फ तेलुगु वर्जन में थिएटरली रिलीज किया गया था। फिल्म को स्टोरी, आइडिया, डायलॉग, स्क्रीन प्ले, ये सब कुछ नाना शंकर ने किया है। उसके अलावा इस फिल्म को प्रोड्यूस करा है सुमन जी नायडू ने, जिन्होंने एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को बनाया हुआ था।
सुब्रमण्यम ब्रेसवरस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे, यहीं पे इस मूवी को उन्हीं के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया गया था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को US सर्टिफिकेट भी मिला था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इसको 154 मिनट का रन टाइम मिला था। फिल्म के राइट्स वर्जन रॉयल मीडिया डिजिटल वाले को बेचे गए थे। उन्होंने इस फिल्म को हिंदी डब में, हिंदी में लेटर नाम के साथ बनवाया करवाया हुआ था। वहीं पर कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सुधीर बाबू मालविका सन सुनील के द्वारा लीड रोल में लेते हुए इनको बनाया गया था। और भी मुख्य कलाकार इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके अलावा सिनेमाटोग्राफिक अरविंद विश्वनाथ ने करी थी। और मैं आपको बता दूं, ये मूवी अभी यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे अवेलेबल नहीं है। और आपको अगर देखनी है, जैसे कि मैंने कहा था इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा ऑफिशियली और कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म, कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे यह फिल्म आपको टेलीविज़न पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। और ये मूवी आपको हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। ये दोनों OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे ये मूवी अवेलेबल है। और आपको दोस्तों एक बार तो इस मूवी को जाके ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करना चाहिए, और आपको पसंद भी आएगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले, उस मूवी का नाम है हरो हरा। तो ये मूवी कहाँ पे, कैसे आपको हिंदी वर्जन देखने के लिए मिलेगा, ऑफिशियली कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे, कौन कौन से सैटेलाइट चैनल पे और कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। वहीं पर इस मूवी के ऊपर प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग रिव्यू मिलने वाला है, जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक स्टोरी, एक एनालिसिस करके मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो फर्स्ट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के नाम से। तो चलिए आइए करते हैं वीडियो को शुरू। हरोम हरा आज की हमारी मूवी का नाम है। तो चलिए आज हम इस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। 2024 की इंडियन एक्शन लैंग्वेज तेलुगु ड्रामा मूवी है। फिल्म को थिएटरली पहले पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ करना था सोचा जा रहा था। फिल्म को सिर्फ तेलुगु वर्जन में थिएटरली रिलीज़ किया गया था। फिल्म का स्टोरी, आइडिया, डायलॉग, स्क्रीन प्ले, ये सब कुछ नाना शंकर ने किया है। उसके अलावा इस फिल्म को प्रोड्यूस कराया है सुमन जी नायडू ने, जिन्होंने एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को बनाया हुआ था। सुब्रमण्यम ब्रेसवरस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे, यहीं पे इस मूवी को उन्हीं के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया गया था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को US सर्टिफिकेट भी मिला था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इसको 154 मिनट का रन टाइम मिला था। फिल्म के राइट्स वर्जन रॉयल मीडिया डिजिटल वाले को बेचे गए थे। उन्होंने इस फिल्म को हिंदी डब में, हिंदी में लेटर नाम के साथ बनवाया करवाया हुआ था। वहीं पर कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सुधीर बाबू मालविका सन सुनील के द्वारा लीड रोल में लेते हुए इनको बनाया गया था। और भी मुख्य कलाकार इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके अलावा सिनेमाटोग्राफिक अरविंद विश्वनाथ ने करी थी। और मैं आपको बता दूं, ये मूवी अभी यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे अवेलेबल नहीं है। और आपको अगर देखनी है, जैसे कि मैंने कहा था इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा ऑफिशियली और कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म, कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे यह फिल्म आपको टेलीविज़न पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। और ये मूवी आपको हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। ये दोनों OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे ये मूवी अवेलेबल है। और आपको दोस्तों एक बार तो इस मूवी को जाके ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करना चाहिए, और आपको पसंद भी आएगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले, उस मूवी का नाम है हरो हरा। तो ये मूवी कहाँ पे, कैसे आपको हिंदी वर्जन देखने के लिए मिलेगा, ऑफिशियली कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे, कौन कौन से सैटेलाइट चैनल पे और कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। वहीं पे इस मूवी के ऊपर प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी
मैं आपको बताने वाला हूँ। फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग रिव्यू मिलने वाला है, जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक स्टोरी एक एनालिसिस करके मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो फर्स्ट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के नाम से। तो चलिए आइए करते हैं वीडियो को शुरू। हरोम हरा आज की हमारी मूवी का नाम है। तो चलिए आज हम इस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। 2024 की इंडियन एक्शन लैंग्वेज तेलुगु ड्रामा मूवी है। फिल्म को थिएटरली पहले पैन इंडिया लेवल पर रिलीज करना था सोचा जा रहा था। फिल्म को सिर्फ तेलुगु वर्जन में थिएटरली रिलीज किया गया था। फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रीन प्ले ये सब कुछ नाना शंकर ने किया है। उसके अलावा इस फिल्म को प्रोड्यूस करा है सुमन जी नायडू ने, जिन्होंने एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को बनाया हुआ था। सुब्रमण्यम ब्रेसवरास प्रोडक्शन कंपनी के नीचे यहीं पे इस मूवी को उन्हीं के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया गया था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को US सर्टिफिकेट भी मिला था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इसको 154 मिनट का रन टाइम मिला था। फिल्म के राइट्स वर्जन रॉयल मीडिया डिजिटल वाले को बेचे गए थे। उन्होंने इस फिल्म को हिंदी डब में हिंदी में लेटर नाम के साथ बनवाया करवाया हुआ था। वहीं पर कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सुधीर बाबू मालविका सन सुनील के द्वारा लीड रोल में लेते हुए इनको बनाया गया था। और भी मुख्य कलाकार इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके अलावा सिनेमाटोग्राफिक अरविंद विश्वनाथ ने करी थी। और मैं आपको बता दूं ये मूवी अभी यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे अवेलेबल नहीं है। और आपको अगर देखनी है जैसे कि मैंने कहा था इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा ऑफिशियली और कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पे ये फिल्म आपको टेलीविज़न पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। और ये मूवी आपको हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। ये दोनों OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम पे ये मूवी अवेलेबल है। और आपको दोस्त एक बार तो इस मूवी को जाके ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना चाहिए और आपको पसंद भी आएगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों,